आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को. आप सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें. डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी. थैंक यू. धन्यवाद. अभी अभी एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग इस तरह के सेमिनार में आके तालियां बजाते हैं उनकी उम्र 15 साल ज्यादा होती है. ऑनरेबल मिस्टर एंड मिसेस दालमिया, आर फुलिया जी एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय अपॉर्चुनिटी टू शेयर अ न्यू टॉपिक दैट इज हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड. सीधे टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है अगर आपको पता है तो ये लेक्चर आपके लिए आसान है, और हाई कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल क्या है अगर आपको नहीं पता तो ये लेक्चर आपके लिए और आसान है, क्योंकि जो भी कुछ आपको पता है दैट इज जस्ट रॉन्ग. तो इस सेमिनार को, इस ट्रेनिंग को मैंने तीन भाग में डिवाइड किया है. पहला भाग कंसेंसस, सहमति. दूसरा कंस्पिरेसी यानी कि साजिश. और तीसरा है समाधान. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा. इनके जवाब आपको अभी नहीं देने, बाद में दे सकते हैं. पहला सवाल, डेंगू इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, यस और नो? सो नॉर्मली इट इज. दूसरा सवाल, हार्ट डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, यस और नो? तीसरा सवाल, हाई कोलेस्ट्रॉल कॉजेज हार्ट डिजीज, यस और नो? राइट, ये जो भी सवाल हैं इनके जवाब इस लेक्चर के बाद वो फीडबैक फॉर्म में तब भरना है. अभी जो आपके जवाब हैं मोस्ट लाइकली वो चेंज होने वाले हैं. जो भी आपकी सोच है मोस्ट लाइकली वो चेंज होने वाले हैं. राइट, सो इसमें से पहला जो सवाल है उसका जवाब इस लेक्चर में नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज ऑन हाई कोलेस्ट्रॉल. बाकी दोनों के जवाब जो आपको पता है, बट दैट मे बी समथिंग विच इज टोटली अपोजिट ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. शुरू करते हैं. आई विल गिव माय एग्जांपल, वन स्मॉल एग्जांपल. कभी आपने सोचा है कि अंडा है, इसको अगर 99.5 डिग्री पे रखें, 50-60% ह्यूमिडिटी पे रखें, एक प्रॉपर एनवायरमेंट दें, और ऐसा हम 21 दिन तक करें, इसके अंदर से एक लाइफ, एक जिंदगी निकल के आती है. कभी ये सोचा इसके अंदर ऐसा क्या है विच कन्वर्ट्स इनटू ए लाइफ जस्ट बाय पुटिंग इट इन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इन ए पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी? इसके अंदर क्या है अगर आप इसको लैब में देंगे कि ऐसा क्या है जिससे जिंदगी बनती है, या ऐसा क्या है अगर वो ना हो तो जिंदगी नहीं बनेगी? तो आपको ताज्जुब होगा, इसमें जो 62% ऑफ द एनर्जी इज कोलेस्ट्रॉल, इज कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल. अगर वो हाई का मीडियम हो जाए तो इसमें जिंदगी नहीं बन सकती. राइट, सो इट इज सो इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द बर्थ ऑफ अ बर्ड बट ऑल्सो फॉर द ह्यूमन एज वेल. इंसानों के लिए भी, हर जिंदगी के लिए. जो पैदा होते हैं हम उसमें द मोस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद अदर मॉलिक्यूल्स, अदर केमिकल्स, इज हाई कोलेस्ट्रॉल. वो इतना ज़्यादा कि जो फीमेल्स, दोज वुमेन, दोज हु वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सख्त चेतावनी है कि ऐसे फीमेल्स, दे शुड नॉट टेक एनीथिंग और एनी ड्रग्स विच मे रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल. इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को घटाने की जितनी सारी दवाइयां हैं उनको कैटेगरी एक्स का नाम दिया है, कैटेगरी एक्स. राइट, सो कैटेगरी, व्हाट इज कैटेगरी एक्स? ये एफडीए का दिया हुआ है, कैटेगरी एक्स. राइट, सो दैट मींस पीपल और द वुमेन हु वांट टू गेट प्रेग्नेंट, दे शुड नॉट टेक दिस ड्रग, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग. और अगर लेंगे तो नंबर वन, या तो बच्चा नहीं होगा, और होगा तो बहुत सारे डिफॉर्मिटीज के साथ होगा. राइट, FDA, when I say FDA, FDA का मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इंडिया वाला नहीं, US वाला. इंडिया वाला तो उसका फॉलो करता है, तो इंडिया वाले की कोई ज़रूरत नहीं है. राइट, US में जो बता दिया दैट इज बीइंग फॉलोड बाय इंडिया. सो कोलेस्ट्रॉल इज लाइफ. राइट, सो स्टैटिन, जो अभी कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवा देते हैं वो दवा है स्टैटिन, एक ही दवा है स्टैटिन. उसके कई सारे रूप होंगे, बट जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवा कैसे पहचानेंगे, उसके पीछे स्टैटिन लिखा होगा, दैट इज अ कोलेस्ट्रॉल ड्रग. राइट, एंड स्टैटिन इज ए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग. सो इसमें
इट इज़ नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इवन फॉर मैन, राइट. अगर जो लोग फादर बनना चाहते हैं, जो लड़के, राइट, अगर वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग ले लेंगे, चांसेस आर कि उनके इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी. चांसेस आर उनका स्पर्म में एबनॉर्मलिटी अबाउट 11% हो जाएगा अगर कुछ दिन तक भी लिया तो. सो पहली बात तो ये, यहाँ तक कोलेस्ट्रॉल इज़ ए लाइफ, राइट. और उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की गई, खास तौर पे उन वुमेन्स में जो कभी सोचते हैं मैं प्रेग्नेंट होंगी, तो बच्चे का डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, या बच्चा पैदा ही ना हो ये भी क्वाइट लाइकली है. एट द सेम टाइम ऑल दोज मैन हु वॉन्ट टू बिकम ए फादर, राइट, उनके लिए भी फादर बनना पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी इफ़ दे ट्राई टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लिटिल बिट बाई एनी मीन्स, स्पेशली विद द ड्रग्स. इट इज़ कॉल्ड एक्स कैटेगरी ड्रग, राइट. ये कैटेगरी, एक्स कैटेगरी इज बिंग ऑलरेडी गिवन टू इट. अच्छा, अब बारी आती है कि जिन लोगों, जो जिनके बच्चे हो चुके हैं, आगे बच्चे नहीं चाहिए, उनका क्या ख्याल है? अगर वो अपना कोलेस्ट्रॉल घटाएं, हाई कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने की कोशिश करें, तो क्या होगा? वुमेन्स की बात करते हैं. वुमेन्स का, इफ दे टेक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, द चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन इंक्रीज बाय 11 times. 11% नहीं बोल रहा, 11 गुना बढ़ जाता है, राइट. सो मैंने इसमें वही सारे ट्रायल्स, वही सारे उदाहरण लिए हैं जो उदाहरण ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, जो उदाहरण के बेसिस को रखते हुए ही कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने की बात फैलाई गई है या उसको प्रोटोकॉल का पार्ट बनाया हुआ है. सो दुनिया में रोज़ हज़ारों ट्रायल्स होते हैं, हर ट्रायल का कोई ना कोई नतीजा निकलता है, तो जैसा आप नतीजा चाहते हैं वो वाला ट्रायल आपको मिल जाएगा. लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, या कोई आर्गूमेंट कर सकता है कि ट्रायल तो कुछ भी कहता है. आई हैव टेकन स्पेशली ओनली दोज ट्रायल्स विच आर बीन अप्रूव बाई FDA देमसेल्फ, राइट. और ये सारे ट्रायल्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हो सकता है आपको याद ना रहे आखिर तक, तो जाते हुए आपको एक कार्ड मिलेगा, उसमें जो भी मैंने बोला उसकी रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे. क्योंकि जब आप जाएंगे, कोई डॉक्टर या आपका दोस्त कोई कन्फ्रंट करेगा और आप ये सारी बात बताएंगे, तो हो सकता है कि उनको विश्वास ना हो या वो खारिज कर दें और फिर आप कन्फ्यूजन में होंगे. सो वॉट एवर आई एम गोइंग टू से टूडे, राइट, यू आर गोइंग टू गेट अ कार्ड, उसमें वो सारे मेडिकल रेफरेंसेज होंगे, राइट, मेडिकल जर्नल्स के पूरे रेफरेंस, एंड देन उसको उस रेफरेंस तक आप पहुँच सकते हैं ईजिली, वो पूरा लिंक्स आपके पास होगा. सो FDA वार्निंग 2012, राइट, कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेंगे तो वार्निंग है डायबिटीज़ हो सकता है, मसल डैमेज हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेमोरी लॉस हो सकता है. हो सकता है या होगा ही होगा, राइट, दोनों एक ही बात है. हो सकता है वो बोलते हैं, क्योंकि कोई चीज़ मेडिकल साइंस में डेफिनेट बोलना अलाउड नहीं है. यू कैन नॉट से डेफिनेटली, इसीलिए हो सकता है वर्ड यूज़ किया, बट द रियलिटी इज़ वो होगा, इट विल हैपन, राइट. सो स्पेशली यहाँ पे तीनों में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आउट ऑफ ऑल दिस मेमोरी लॉस. इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन, उसको पूरा खोल के आप देखें तो उसमें भी 50% ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, और ब्रेन अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है, बॉडी से नहीं लेता. कोलेस्ट्रॉल इतना इम्पॉर्टेंट है, और कहीं जो ब्रेन ने कोलेस्ट्रॉल बनाया वो बॉडी ना ले ले तो भगवान ने एक बैरियर बना दिया, ऐसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, राइट. तो ब्रेन अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है, वो किसी और से शेयर नहीं करता है, और पूरे बॉडी का जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसका 25% इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द ब्रेन देमसेल्फ. जबकि पूरे बॉडी का अगर वेट करें, ब्रेन का वेट है अबाउट 1-2% ऑफ द होल बॉडी, जबकि कोलेस्ट्रॉल की यूटिलाइजेशन अबाउट 25%. तो जैसे ही आप कोई दवा लेंगे कोलेस्ट्रॉल को घटाएंगे, तो ब्रेन की कोलेस्ट्रॉल घटते ही मेमोरी लॉस, एंजाइटी या रेस्टलेसनेस या बहुत सारे और बीमारियों की शुरुआत हो जाती है. हो जाएगी कि नहीं? हो जाती है. दैट इज इट हैज टू हैपन बिकॉज योर ब्रेन फंक्शंस मोर लेस ऑन कोलेस्ट्रॉल, राइट. सो अब सवाल ये आता है कि जब क्लियर इतने एविडेंसेस हैं, ऑल द एविडेंस आर वेरी क्लियर, राइट, क्लियर कट है, तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल दवा देते क्यों है डॉक्टर? उसका खास कारण है, इट इज नॉट ए मेडिकल साइंस, इट इज ए मेडिकल कल्चर. अच्छा, साइंस क्या होता है? साइंस ये होता है कि जो हर बार वो डुप्लीकेट हो सके, 2×2=4, दैट इज, वो इधर भी 4 है, फ्रांस में भी 4 होगा, जर्मन में जाएंगे वहाँ भी 2×2=4 ही होगा, तो हो गया साइंस. एक होता है कल्चर यानी कस्टम, राइट, जैसे प्रथा, हमारे हिंदू धर्म की कुछ प्रथा है या प्रथा रही है,
तो प्रथा हर जगह के अलग अलग हो सकते हैं, और प्रथा के लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं, कोई लॉजिक की जरूरत नहीं, वो प्रथा है, वो अपने आप में लॉजिक है, राइट। मेडिकल साइंस, इट इज़ नॉट मेडिकल साइंस, इट इज मेडिकल कल्चर। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मान लो इंडिया में यहाँ पे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं एक मेडिकल कंडीशन लेते हैं, फटीक, डॉक्टर मैं थका थका था महसूस करता हूँ। जब भी ये बोलेंगे, बोल के देखिए कि डॉक्टर मैं थका थका महसूस कर, जब भी ये किसी डॉक्टर बोलेंगे सबसे पहले बोलेगा अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराओ। लेकिन यही वाला सवाल, यही वाली मेडिकल कंडीशन आप यूएस में जाके बोलेंगे कि मैं थका थका फील करता हूँ, सबसे पहले वो आपका ब्लड प्रेशर लेगा, ब्लड शुगर नहीं लेगा। लेकिन जर्मन में जर्मन डॉक्टर होगा तो वो कार्डियक इनसफिशिएंसी बताएगा, हार्ट से जुड़ेगा उसको। फिनलैंड में यही सवाल पूछेंगे कि मुझे थका थका महसूस होता है, वो आपको सीधा ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर डिपार्टमेंट भेज देगा। फ्रांस में यही सवाल पूछेंगे कि मैं थका थका फील करता हूँ, वो बोलेगा एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, एंजॉय रेड वाइन एंड कम बैक। एंड इंसिडेंटली सारे के सारे करेक्ट हैं, उसका शुगर का इलाज शुरू हो जाएगा, वो ठीक फील करेगा, उसका ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो जाएगा, वो भी ठीक फील करेगा, जो एक हफ्ता को छुट्टी लेके वापस आएगा वो भी ठीक फील करेगा, राइट। इट इज नॉट ए मेडिकल साइंस, इट इज ए मेडिकल कल्चर। और कल्चर तो ऐसा है कि जिसका कोई साइंस होने की जरूरत नहीं है, मेडिकल साइंस नाम जरूर है, इट इज ए कल्चर। पिछले दिनों जापान में हमारे एक नए पार्टनर बने, डॉक्टर स्माइल, उनकी कंपनी है डॉक्टर स्माइल लिमिटेड, आप नेट पे जाएंगे, बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने उनसे पूछा कि इंडिया में हार्ट डिजीज इज द हाईएस्ट, जापान में हार्ट डिजीज इन द वर्ल्ड इज द लोएस्ट, तो ऐसा कैसे, कुछ तो होगा ना अनोखा, तो सो दैट वी कैन डू दैट, उसको हम यहाँ अपना लें। उनका कहना है कि वो इसलिए कम है हार्ट डिजीज, या हार्ट डिजीज से डेथ, या हार्ट अटैक से डेथ रेट इज वेरी लेस, लोएस्ट इन जापान, बिकॉज वहाँ पे हार्ट अटैक से मरना बुरी बात मानी जाती है, मतलब दिल कमज़ोर है, हार्ट से डेथ हो गया, हार्ट डिजीज से, दिल कमज़ोर दिल का आदमी है, राइट। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पिताजी, उसके भाई या उसके रिश्तेदार को कमज़ोर दिल का बोला जाए, इसलिए जब भी किसी की डेथ होती है सडन तो वो हार्ट डिजीज नहीं लिखते। वहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक से डेथ होना बहुत अच्छी बात मानी जाती, यानी कि इंटेलिजेंट था, दिमाग बड़ा तेज था, दिमाग का बड़ा यूज होता था, तो वहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इन द वर्ल्ड। अब अंडरस्टैंड कीजिए हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक का कॉमन कॉज क्या है, ब्लॉकेज। ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे हार्ट डिजीज बिल्कुल ही लो है, हार्ट अटैक रेट एंड ब्रेन स्ट्रोक रेट बिल्कुल ही हाई है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी डेथ सर्टिफिकेट बनता है, या WHO कैसे पता लगाती है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, WHO के पास एक ही टूल है, दैट इज़ वो वहाँ के डेथ सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड्स को चेक करती है, एंड दैट बिकम्स द डेटा। बट वो रिकॉर्ड अपने आप में कितना ऑथेंटिक है, ये इस बात से पता चलेगा, दैट इज जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है अक्सर एटलीस्ट आधे टाइम वो एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि किस चीज़ से इंसान मरा है वो उसकी शक्ल देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो अंदाज़ा गलत हो सकता है। सिर्फ एक्यूरेट तब पता चलेगा जब ऑटोप्सी करेंगे, कोरोनर, जो लोग ऑटोप्सी कहते हैं करते हैं वो कोरोनर। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर 100 डेथ में सिर्फ एक जिसका डेथ थोड़ा सस्पिशियस होता है वो कोरोनर के पास जाता है, कोरोनर बहुत ज़्यादा नहीं इंडिया में, वेरी लेस, राइट। तो जो डेथ रेट, उसका जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन है, दैट कंक्लूजन कैन बी अ मेडिकल कल्चर, इट मे नॉट बी अ मेडिकल साइंस, राइट। कल्चर मतलब कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज, रीति रिवाज मतलब हमारे पास्ट के बिलीव क्या थे, उसका इन्फ्लुएंस होना, उससे बना है ये सारा मेडिकल सिस्टम। अब आज हमारी बात करनी है हमें हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की दवा क्यों चलती है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ सारा कुछ। ये सारा कुछ कब शुरू हुआ, 1940 और 50s में हार्ट डेथ रेट, हार्ट अटैक ज़्यादा होने लगे पूरी दुनिया में। तो एक साइंटिस्ट या एक न्यूट्रिशनिस्ट थे, उनका नाम था एंसल कीज, उनको US गवर्नमेंट ने काम दिया कि आप ये पता लगाओ कि हार्ट अटैक होते क्यों हैं, उसका कॉज क्या है। इसके लिए उनको $20,000 million उस समय का ग्रांट किया, और सालों साल उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, और फाइनली 1975 में उन्होंने एक ग्राफ दुनिया के सामने रखा। इस ग्राफ में इन्होंने प्रूव किया, आप देखिए यहाँ पे 7 Country Study के नाम से पॉपुलर हुआ, कि जो देश के लोग कम
फैट या जो देश लोग कम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल कम होता है राइट उनकी हार्ट डेथ रेट भी कम होती है राइट कैन यू सी दिस सो हियर द डेथ रेट इज लेस इफ द कोलेस्ट्रॉल इज लेस जिन देश में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाया जाता है या ज़्यादा फैट खाया जाता है उनमें डेथ रेट भी ज़्यादा है तो पहली बार दुनिया को 1975 में एक नया थ्योरी मिला कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मतलब ज़्यादा हार्ट डिजीज़ कम कोलेस्ट्रॉल मतलब कम हार्ट डिजीज़ लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है मान लेते हैं कि ये सारा कुछ फिर मैंने आपको बताया ना वो डेथ सर्टिफिकेट पे बेस्ड डेटा है लेकिन एक बार को अगर ये मान लें कि ये सच भी है कम फैट कंजम्पशन मीन्स कम हार्ट डिजीज़ ज़्यादा फैट एंड कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन मीन्स ज़्यादा हार्ट डिजीज़ ऐसा इन्होंने सेवन कंट्री स्टडी का पूरा रिपोर्ट सामने रखा लेकिन मैं आप एक हम और आप मिलकर एक नया ट्रायल करते हैं जितने भी लोग मरते हैं उनके बाल देखते हैं और हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके बाल सफ़ेद थे इसका मतलब सफ़ेद बाल कारण है मृत्यु का राइट तो हम एक फॉर्मूला एक प्रोडक्ट निकालते हैं काली मेहंदी ये मेहंदी लगा लो तो मृत्यु का कारण भी घट जाएगा सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जरूर है ये करेक्ट है कि जिन जो लोग मरेंगे उनमें ज्यादातर लोगों के सफेद बाल होंगे लेकिन क्या दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन बट कोरिलेशन मे नॉट बी द कॉज वो कारण नहीं हो सकता वो पैरेलल कोरिलेशन हो सकता है सो कोरिलेशन मे नॉट बी द कॉज ये हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा भी है और उनको हार्ट की डिजीज भी है जैसे जिनके सफेद बाल हैं यानी कि उनकी उम्र ज्यादा है तो उन्हीं में से किसी की मरने की संभावना है लेकिन बाल को अगर हम आर्टिफिशियली काला कर देंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है इन द सेम वे कोरिलेशन मे नॉट बी द कॉज लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मेडिकल साइंस एजम्पशन की साइंस है उन्होंने ये देखा कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो डेथ रेट ज्यादा इसका मतलब ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल कम तो डेथ रेट कम दैट मीन्स किसी का कोलेस्ट्रॉल कैसे भी कम कर दो उम्मीद है कि डेथ रेट कम हो ही जाएगी इस आधार को मानते हुए कोलेस्ट्रॉल की सारी ड्रग्स को अप्रूवल मिल जाता है कोई भी ड्रग जो पहली आई दूसरी आई तीसरी आई इस एजम्पशन पे कि हम दवा देंगे कोलेस्ट्रॉल की दवा और कोलेस्ट्रॉल लोगों में घट जाएगा एक्सपेक्टेडली हार्ट डिजीज हार्ट डेथ रेट भी घट जाएगा दैट वॉज द इनिशियल थिंग और ऐसा लेकिन साथ में नजर भी रखेंगे कि ऐसा एक्चुअली हो रहा है जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने मेहंदी बांट दी और फिर उन लोगों पर नज़र रखा कुछ दिनों तक कि देखते हैं जब जो मेहंदी लगाने वाले लोग और ये लोग जो मेहंदी खरीद नहीं सकते लगा नहीं सकते इनमें से क्या इनकी डेथ रेट ज़्यादा है या इनकी डेथ रेट ज़्यादा है और लेकिन ऐसा 10 साल तक करेंगे तब तक कई लोग ऑलरेडी खरीद चुके होंगे कई लोग और भी मर चुके होंगे फाइनली एक कंक्लूजन आएगा उस कंक्लूजन पे फिर अमेंडमेंट होगा दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मेडिकल साइंस आई कॉल इट मेडिकल कल्चर तो इसके बाद क्या हुआ पूरे दुनिया में बहुत सारे ट्रायल्स हुए अलग अलग कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के ऊपर कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे थे वो ग्रुप और जो नहीं ले रहे थे वो ग्रुप और ऐसा सालों साल हुआ 10 साल 20 साल 30 साल और उनके सारे डेटा कलेक्ट करते गए कि देखते हैं जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं क्या उनकी डेथ रेट कम है इन कंपैरिजन टू जो लोग नहीं ले रहे हैं राइट तो ये ट्रायल एग्जैक्टली होता कैसे है तो एक ट्रायल का मॉक ट्रायल मैं इसको बोलूँगा मॉक ट्रायल राइट यूं ही एक ट्रायल नाटकीय ट्रायल एक यहाँ पे करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लगे कि ट्रायल एग्जैक्टली कैसे होता है ओके ओके तो मान लीजिए मैं कोलेस्ट्रॉल ट्रायल करना चाहता हूँ ये हमारा पूरा ट्रायल का वॉलंटियर्स हैं आप लोग वॉलंटियर्स हैं इसमें दो ग्रुप बना दिए ग्रुप वन ये सारे राइट और ग्रुप टू ये दोनों तरफ के क्योंकि ये दोनों तरफ में जितने सीट्स हैं उतने ही सीट्स बीच में भी हैं ग्रुप वन जो स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग लेंगे अगले एक साल तक और ग्रुप टू ये लोग नहीं और एक साल में देखते हैं क्या होता है एक साल बाद हम देखेंगे इनमें से कितने लोग की डेथ हो गई हार्ट डिजीज से और बाकी में से कितने की डेथ हो गई तो सामने क्लियर हो जाएगा तो ऐसा इन्होंने किया और ऐसा इन्होंने इतने सारे ट्रायल्स किए ये वो ट्रायल्स हैं जिनको FDA ने इंक्लूड किया अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इसीलिए मैंने इनका नाम लिया इन सारे ट्रायल का जो निचोड़ है उन निचोड़ को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मेटा एनालिसिस सारे ट्रायल को मिला दिया अब फाइनल कंक्लूजन क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड मेटा एनालिसिस मेटा एनालिसिस ये कहती है 172 पीपल टेकिंग स्टैटिन फॉर वन ईयर विल प्रिवेंट ओनली वन हार्ट अटैक इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जैक्टली ये कुर्सियाँ भी मेरे ख्याल से 180 के करीब हैं या 200 के करीब है 172 लोग यहाँ बैठे हैं और इधर मिला के 172 लोग बैठे हैं तो एक साल तक हमने आप वाले ग्रुप में
स्टैटिन दिया, दवा दी, और आपका एक साल में 9 लोग हार्ट अटैक से मरे और इस ग्रुप में 10 लोग मरे, तो कितने का डिफरेंस हो गया? एक। तो ये एक का डिफरेंस काफ़ी है मेडिकल साइंस के लिए कि देखा ये लोग स्टैटिन खा रहे थे, कम से कम एक डेथ रेट तो, एक आदमी तो बचा ना, राइट? तो ये बेसिस है। अच्छा, मान लेते हैं ये बेसिस है भी, लेकिन बाकी जो 171 लोग हैं उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। अच्छा, ये भी मान लेते हैं क्या उनको कोई नुकसान हुआ, एक करके देख लेते हैं। तो मेरे पास ना ये इन ग्रुप को तो दवा देनी पड़ेगी, इनको तो कुछ करना ही नहीं है, तो इनको प्लेसेबो देंगे। प्लेसेबो मतलब नकली दवा, जो उनको लगेगा कि वो दवा ले रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। तो आप में से कोई 4-5 लोग आ जाएं तो मेरे पास दवाइयां हैं, मैं बांट दूंगा अभी, तो एक्चुअली देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ 4-5 पीपल, ये बीच वाले ग्रुप में बांटना है प्लीज़। कोई दो नहीं लेगा दवा, एक ही एक पैकेट लेना है बीच वाले ग्रुप में से। थोड़ा इनको भी दे दीजिए, सॉरी, बीच वाले ग्रुप में आगे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, देख के। बीच वाले ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी भी और हैं थोड़े से इन द मिडिल ग्रुप, दोज हु आर नॉट हैविंग इट, जिन्होंने ले लिए उनको नहीं, जिन्होंने नहीं लिए उनको। और भी हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी भी है। ये एग्जैक्टली 172 है, ये जो पैकेट्स हैं ये 172 ही हैं, बिकॉज मैं एग्जैक्टली दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या होने वाला है, इसलिए सारे डिस्ट्रीब्यूट होने जरूरी हैं और बीच वाले ग्रुप में होने जरूरी हैं, और सबको एक एक ही लेना है। ओके, सो जब तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कर लेते हैं कि ये पूरे 172 वॉलेंटियर्स हैं जिन्होंने अगले एक साल तक कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खाई जिनकी पैकेट मैंने दे दिया, और अगले एक साल बाद रिजल्ट निकला कि इस ग्रुप में ओनली 9 पीपल दे डाइड ऑफ हार्ट अटैक और इन ग्रुप में 10 पीपल दे डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो कंक्लूजन ये है, कोलेस्ट्रॉल की दवा हार्ट अटैक को कम करती है, और इसको बड़ा बड़ा कर दो, कोलेस्ट्रॉल की दवा हार्ट अटैक को 10% कम करती है, क्योंकि वो 9 था 10 था, 10% परसेंटेज है रिलेशन में, राइट? सो अगर एक साल तक लेंगे तो 10% कम करती है, 5 साल तक लेंगे तो 100% कम करती है। तो किसी को सुनने में लगेगा 100% कम करती है तो मतलब बहुत बड़ा चेंज है, जबकि इन रियलिटी दैट मे नॉट बी द केस। लेकिन जो बाकी 171 लोग हैं जिनको अदरवाइज भी हार्ट अटैक नहीं होना था, या बाकी लोग हैं जिनको हार्ट अटैक वैसे भी नहीं होना था एक साल में, उनको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? उनको ये नुकसान हुआ, आप सब अपने पैकेट में पर्ची उसको निकालिए, पर्चियां हैं उसमें निकाली, कोई भी बताए क्या लिखा है आपके पर्ची में, आप बताइए क्या लिखा है। हाँ, ब्रोंकाइटिस, और कुछ, कफ, चेस्ट पेन, फटीग, एंजाइटी, वायरल इन्फेक्शन, स्टीप डिसऑर्डर, पल्मोनरी डिजीज, ब्लड कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एडिमा, स्टीप डिस्टर्बेंस, वेट गेन, डिजीनेस। अच्छा, तो मतलब ये कि एक साल बाद अगर आप इन्हीं सब लोगों से मिलेंगे तो ऐसे ही कुछ इनसे सुनेंगे आप, राइट? उन सबको अगर आप इकट्ठा कर लें तो वो कितने सारे होते हैं, वो ये सारे होते हैं। इसके अलावा कैंसर, इसके अलावा डायबिटीज, इसके अलावा इनफर्टिलिटी, इसके अलावा मेमोरी लॉस, लिखा ही नहीं, बट ये सारे भी उसके साथ हैं। जैसे कोई बोलेगा कि मेरी एंजाइटी बढ़ गई है, या मेरा स्ट्रेस बढ़ गया है, मुझे मसल फटीग है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको पैमाने में नापा नहीं जा सकता, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर बोलेगा नहीं वो तो ऐसे ही है, उसको इग्नोर कर देगा। बट द ट्रूथ इज़ कि वो जो सारे ट्रायल्स हैं जो मैंने अभी दिखाया आपको, उन सारों का कंक्लूजन ये कहता है कि एक डेथ तो घट सकता है, हार्ट अटैक, डेथ नहीं हार्ट अटैक घट सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो बाकी 171 लोग हैं उनमें हर एक में कम से कम इनमें से कोई दो मिनिमम साइड इफेक्ट आ जाएंगे इफ दे कंटिन्यू टेक इट फॉर 1 ईयर। सो ये एक मिसमैच है, ये बैलेंस हुआ ही नहीं कहीं, राइट? और वो जो एक डेथ घटा, ये क्या पता वो बाई चांस है एक डेथ कम, या वो कोलेस्ट्रॉल की दवा की वजह से भी है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, इसको आगे हम चलते हैं और लेके इस सवाल के जवाब के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस, उन्होंने क्या किया, 20 साल का डेटा इकट्ठा किया, 500 हॉस्पिटल्स में हार्ट अटैक के पेशेंट्स का रिकॉर्ड,
और ये देखा उन 500 हॉस्पिटल्स में करीब 20 साल में 1,36,905 पेशेंट्स का रिकॉर्ड देखा और देखा उन सब में से 75% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से लो था। अगर हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता तो उन सब का कोलेस्ट्रॉल हाई मिला होता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे ये साफ क्लियर होता है देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन हैविंग अ हायर कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज, देयर इज नो कोरिलेशन। अब रहा सवाल वो जो सेवन कंट्री स्टडी थी जो बेसिस बना हाई कोलेस्ट्रॉल का, वो सेवन कंट्री स्टडी में घपला क्या था, वो आया कहाँ से? एक्चुअली अगर उसको दोबारा से देखें, जब एंसल की आपको याद है मैं बताया था यूएस ने कितना डॉलर दिया था उनको, $20,000 दिया था। उन्होंने जब अपना रिसर्च शुरू किया तो उन्होंने 22 कंट्रीज़ की स्टडी इंक्लूड की, 22 कंट्री इंक्लूड किए, इन 22 कंट्रीज़ में मैं देखूंगा कोलेस्ट्रॉल का या हार्ट डिजीज से या किसी और चीज़ से क्या कनेक्शन है। उनमें से ये देखा गया कि अलग अलग कंट्री के डॉट्स हैं और किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे है और हार्ट डिजीज डेथ ऊपर है, ये वर्टिकल लाइन। दिस मीन्स जापान लोएस्ट कोलेस्ट्रॉल एंड लोएस्ट हार्ट डिजीज, यूएस हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल हाईएस्ट हार्ट डिजीज, बाकी सारे कंट्री इनके बीच में है। तो इनमें से उन्होंने 7 वो कंट्री चुन लिए जो एग्जैक्टली इस लाइन में आ जाए, बाकी को उड़ा दिया और बताया भी नहीं कि मैंने 22 कंट्री को लिया था शुरू में। वो तो काफ़ी बाद में 1990s में एक डच रिसर्चर ने दोबारा सारा कुछ देखा वापस, तो देखा कि वो तो 22 कंट्री थे। अब मान लीजिए आप और मैं रिसर्चर हैं, हम कुछ और प्रूफ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 वो कंट्री ले लेंगे दूसरे वाले, मैंने भी अपने 7 ले लिए और इन 7 को जब मैंने लाइन मिलाया तो रिजल्ट ठीक उल्टा आया, जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना हार्ट डिजीज कम होगा। अरे मैं अपना कंट्री क्यों नहीं ले सकता, एंसल की ने भी तो अपने कंट्री सिलेक्ट किए थे, तो मुझे हक है कि मैं अपना कंट्री सिलेक्ट करूं, कौन से कंट्री लेने हैं, तो आई हैव ऑल द राइट्स, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो कोलेस्ट्रॉल का थ्योरी की जो टोटल बेसिस है वो बेसिस आपके सामने है और ये बात पता लगी 1990s में, तब तक ऑलरेडी ये बिजनेस काफ़ी ग्रो कर चुका था। अब यहाँ तक तो बात है कंसेंसस की, अभी जो आम कंसेंसस है या जो सहमति है पूरे दुनिया में, वो सहमति का पार्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अब कंस्पिरेसी क्या है, सवाल जो बड़ा है, व्हाई कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड इवन मोर हेविली, इन सब एविडेंसेस के बावजूद भी क्यों कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स डॉक्टर अक्सर देते ही हैं जबकि इतना कंपेलिंग एविडेंस आपके सामने है जो कोई नकार सकता ही नहीं है, दैट इज वन थिंग। दूसरा है सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू प्रोटेक्ट द हार्ट, अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग आप लेते क्यों हैं, उसका एक ही कारण है, हमें ऐसा लगता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स कैन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक, यही कारण है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल कारण नहीं है हार्ट डिजीज का, तो क्या ऐसा चीज़ है जिससे हार्ट की बीमारी होती है और हम क्या करें ताकि हम अपने को प्रोटेक्ट करें, दैट इज कैन बी वन क्वेश्चन। सो इन सब में इंटरेस्टिंग है कंस्पिरेसी पार्ट। कंस्पिरेसी के 2 पार्ट हैं, वन इज डायग्नोसिस, वन इज ड्रग्स। डायग्नोसिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। अगर इसकी हिस्ट्री को देखें, 1977 का 8th एडिशन ऑफ हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, इंटरनेशनल नहीं इंटरनल मेडिसिन, जो हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन जिसे बाइबल बोल सकते हैं आप मेडिकल साइंस का, उसका अगर 8th एडिशन आप पढ़ेंगे वहाँ पे टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा था 300 से ज़्यादा होने से तभी कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन 1988 से पहले कुछ लोग यूरोपियन कंट्रीज में बोलते थे 350 भी चलेगा, US में बोलते थे नहीं 250 चलेगा, देयर वॉज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि 300 होना चाहिए, 250 होना चाहिए, 350 होना चाहिए, वो कोई कुछ भी सोचता था। इसीलिए 1988 में US में एक पैनल बनाया गया, इसे कहते हैं एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल वन, जिसमें 16 मेंबर रखे गए, वो ये मेंबर फैसला करेंगे कि पूरे दुनिया के लोगों की कोलेस्ट्रॉल कितनी होनी चाहिए, वो 16 लोग फैसला करेंगे पूरे दुनिया की कोलेस्ट्रॉल लेवल कितनी होनी चाहिए, और उन्होंने फैसला किया कि वो होना चाहिए 240 टोटल कोलेस्ट्रॉल। अच्छा 240 टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, मान लो आपकी रीडिंग आती 240, इसका मतलब समझें क्या लेमैन भाषा में। देखिए मान लीजिए मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है क्योंकि मेरा वेट अबाउट 70 kg है, मैं सारे खून निकाल दूं और इस बॉटल में डालूं तो ऐसे कितने बॉटल चाहिए मुझे, हाउ मेनी बॉटल आई नीड, 5 चाहिए।
अब मैं एक बूंद यहाँ से ब्लड निकालता हूँ और उसमें उसको मैं लैब में चेक करता हूँ कितना कोलेस्ट्रॉल है और उसमें निकलता है 200. इसका मतलब मेरे एक लीटर खून में 2 ग्राम कोलेस्ट्रॉल है, राइट, टोटल कोलेस्ट्रॉल है. अच्छा, 2 ग्राम कितना होता है? एक चिप्स 1 ग्राम है, 2 चिप्स 2 ग्राम. सो अगर आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल रीडिंग 200 आती है, इसका मतलब आपके एक लीटर खून में 2 ग्राम कोलेस्ट्रॉल है. दैट्स ऑल, ये है टोटल कोलेस्ट्रॉल. लेकिन इन्होंने एक नया चीज़ ऐड कर दिया ATP1 में, एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल में. कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 होना चाहिए, साथ में एक और चीज़ ऐड कर दी, वो व्हाट इज दैट? LDL. LDL कौन सा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है? खराब वाला, बैड कोलेस्ट्रॉल. देखिए, हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल एक ही तरह का बनाती है, अलग अलग तरह का नहीं बनाती है. एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, नथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, शर्मा जी हमारे, AK शर्मा जी, हाँ सर, सर वहीं से बस. जैसे हमारे शर्मा जी हैं, ये गुड शर्मा जी और बैड शर्मा जी नहीं है, सिर्फ एक ही शर्मा जी हैं. लेकिन किसी दिन ये ऑफिस में ऑटो में जाते हैं, कपड़े भी खराब होते हैं, लेट पहुँचते हैं, सब लोग बोलते हैं बैड शर्मा जी आ गए. वही अगर कोट टाई पहन के वो कार में जाते हैं, टाइमली पहुँचते हैं, कपड़े भी गंदे नहीं होते, गुड शर्मा जी आ गए. तो डिपेंडिंग ऑन कि शर्मा जी कौन से कपड़े पहन के जा रहे हैं और किस वाहन में जा रहे हैं, शर्मा जी बिकम्स गुड शर्मा जी, बैड शर्मा जी. सिमिलरली बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, वो कोलेस्ट्रॉल एक ही बनाती है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रेवल करते वक्त, क्या वो ऑटो में ट्रेवल कर रहा है, तो उसे बोल देंगे बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. या वो मर्जीज में ट्रेवल कर रहा है, तो उसे बोल देंगे गुड कोलेस्ट्रॉल. इन रियलिटी बॉडी अलग अलग कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकती, वो सिर्फ एक ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है, दैट इज द टोटल कोलेस्ट्रॉल. उनमें से कभी शर्मा जी चाहे तो ऑटो में जाएंगे, कभी वो कार में जाएंगे, वो तो सिचुएशन के हिसाब से जो मिलेगा उसमें जाएंगे. थैंक यू शर्मा जी. अब जब भी आप शर्मा जी मिलेंगे तो आपको ये थ्योरी जरूर याद आएगी. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू. तो पहली बात तो ये याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड नॉट गुड. फिर भी जो डिफ्रेंसिएशन है, दैट इज बिकॉज वो ट्रेवल कैसे कर रही है बॉडी में, ट्रेवल करते वक्त वो कौन सा वाहन यूज कर रही है, दैट मेक्स गुड एंड बैड. उसमें से किसको बैड बोले, किसको गुड बोले, ये भी अपने आप में कॉन्ट्रोवर्सी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं तो बोलता हूँ ऑटो में इज गुड बिकॉज वो लेस पोल्यूशन होगा, पैसे भी कम खर्चे होंगे, टेंशन भी नहीं है, पार्किंग की भी दिक्कत नहीं है. इट इज़ अप टू मी, मैं किसको अच्छा मानूंगा, किसको बुरा मानूंगा. ओके, तो जब ATP1 का LDL वाला ये जुड़ गया और ये रिकमेंडेशन पूरे दुनिया में लागू हुआ, तो तब कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने वालों की संख्या बढ़ के बन गई 20%. 40 साल से ऊपर वाले 20% लोग जो डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना शुरू कर दिया. लेकिन उसके बाद ATP2, एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल 2, इसको भी एक बार और रिवाइज किया गया 1993 में. तब इसको 240 रखा प्लस LDL रखा, एक नई चीज़ आ गई HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, ये भी इंपॉर्टेंट है आज से. और जैसे ही एक नया कैटेगरी क्राइटेरिया आ गया, इट इज़ लाइक एक नया जाल आ गया. इस जाल में इसमें नहीं फंसा, टोटल में टोटल 240 से नीचे ही मान लो तो LDL वाले में फंस जाएगा. अच्छा, उसमें भी पेशेंट फंस नहीं रहा है तो HDL तो जरूर गड़बड़ होगा. तो 3 ट्रैप आ गए. तो जैसे ही ये तीसरा ट्रैप इंक्लूड किया, वो 20% बदल के बन गया 37%. राइट, नाउ 37% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री, दे आर ऑन कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग्स अमंग दोज हु आर अबव 40 इयर्स ऑफ एज. उसके बाद तीसरा आया ATP3 2001 में. इसमें 240 रखा, LDL भी रखा, HDL भी रखा, एक और ट्रैप बना दिया ट्राइग्लिसराइड, एक नया ट्रैप कि ये भाई इन तीनों में ना फंसे तो ट्राइग्लिसराइड भी चेक करो, जरूर गड़बड़ होगा हमारे हिसाब से, वो कुछ ऐसा होगा. तो आप देख रहे हैं, जैसे ही ऐसा हुआ तो कम से कम 48% मीन्स आधी दुनिया डेवलप कंट्री के 40 साल के ऊपर वाले, दे आर ऑन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग. यूं मानिए, विजय जी से आप मिले हैं, क्रिकेटर हैं, वो भी विकेट कीपर. मैं बोलता हूँ मैं आपसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, विकेट आप कितना भी अच्छा आप संभालें, आप मुझे विकेट आउट नहीं कर सकते. तो बोलेंगे चलो मैच खेलें. तो मैच खेला, तो मैंने क्या किया कि जब भी विजय जी आएंगे तो विकेट कहाँ गया, मैं विकेट भी लाया विजय यादव जी के लिए. तो अगली बार जब मैच में आएंगे तो मैं हारना नहीं चाहता, मैं विकेट को छोटा कर दूंगा. और अगली बार देखा फिर भी हार गया तो और छोटा कर दूंगा. फिर अगली बार जब विजय यादव जी मेरे साथ क्रिकेट खेलने आएंगे तो मैं ये विकेट ही गायब हो गया, जो कि अभी हो रहा है. अभी जो करंट गाइडलाइन है वो क्या है कोलेस्ट्रॉल का, करंट गाइडलाइन इज HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल,
देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूछो आपका उम्र कितना है। अगर तो 40 साल से ज़्यादा उम्र है तो आपको दवा लेना, आप बीमार हैं। दिस इज़ द न्यू गाइडलाइन ऑलरेडी देयर। नए गाइडलाइन को आए भी कुछ समय हो गया है। अब अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। यू आर सिक, यू हैव टू बी ऑन मेडिकेशन, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, यानी कि अब विकेट ही नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा पूरी दुनिया में? 2001 में जब ये गाइडलाइन आए तो दुनिया में इम्पैक्ट कैसे पड़ा, क्या पड़ा, हुआ क्या, ये बड़ा शॉकिंग लगेगा अगला स्लाइड आपको। आपको ये पता है कि हर साल टॉप 500 कंपनीज की एक लिस्टिंग निकलती है, जैसे कहते हैं फॉर्च्यून 500, सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फॉर्च्यून 500। 2002 का जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज की जो लिस्टिंग निकली, उस लिस्टिंग में आप एक काम कीजिए, जो पहले 10 ड्रग कंपनीज हैं उनकी टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, और बाकी जो 490 और कंपनीज हैं उनकी टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। यू विल बी शॉक्ड कि पहले 10 टॉप ड्रग कंपनीज की प्रॉफिट वॉज मोर देन बाकी सारे दुनिया के 490 कंपनीज के प्रॉफिट से। दैट वॉज अ चेंज, दैट वॉज अ चेंज, राइट? सो क्लियर इंपैक्ट आपको दिख रहा है कि किस तरह से वो ट्रांसलेट हो रहा है इन टू मनी, हाउ इट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड। अच्छा, ये कंपनीज कौन से हैं? दीज आर द कंपनीज, और इनमें से 90% आर बिलोंगिंग टू USA, जहाँ के वो एडल्ट ट्रीटमेंट ग्रुप के पैनल के लोग हैं। अच्छा, ये फायदा इनको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? WHO 2011, 60% जो हार्ट की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड थिनर है, पूरे दुनिया के प्रोडक्शन के 60% जो है वो भारतीय खा जाते हैं, और बाकी 40% पूरे दुनिया के लोग मिलकर खाते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो फायदा हुआ वो गया कहाँ से, राइट? यू क्लियरली सी दैट, राइट? वो फायदा तो उधर हुआ, लेकिन वो इनपुट आया कहाँ से? समथिंग लाइक दिस, मैंने एक कोशिश की कि ATP3 में जो 30 मेंबर थे वो मेंबर कौन है, ये पता लगाने की कोशिश की। उनमें से 17 का मुझे मिल गया पता, वो लोग कौन है उनका नाम मैं दिखाता हूँ। ये उनके नाम हैं, और मैंने देखा कि वो सारे इन कंपनी से जुड़े हुए हैं, या तो कंसल्टेंट है, या तो वहाँ पे कोई पोस्ट है, या तो डायरेक्टर हैं, या तो साइंटिस्ट हैं वहाँ के। ये सारे ये लोग 17 लोगों की लिस्ट है, और ये वो ये कौन सी कंपनीज हैं? अरे ये वही वाली तो कंपनी है जो वो 10 कंपनी का नाम मैंने अभी आपको दिखाया था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन कंपनीज के एम्प्लॉय, उन कंपनीज के एजेंट, उन कंपनीज के जो साइंटिस्ट हैं, उन्हीं मिलके दे मेड दिस गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइन रिलायबल कैसे हो सकती है? हाउ इट कैन बी रिलायबल? इट कैन नॉट बी रिलायबल। उसके ऊपर डिपेंड हो गए, अगर हम जिंदगी भर कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं तो इकोनॉमिक नुकसान तो हम कर ही रहे हैं दुनिया का, अपने देश का, और हेल्थ का नुकसान तो वो भी हो रहा है। सो यहाँ पे आती है बात डायग्नोसिस की, लेकिन इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी है ड्रग्स की, दवा आई कैसे। 1976 की बात है, एक साइंटिस्ट थे इंडो, उन्होंने इन्वेंट किया स्टैटिन, जो 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 दवा अभी चल रही है ना, उसकी इन्वेंशन 1976 में। उससे पहले भी दवा होती थी कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन वो होती थी पाउडर फॉर्म में, दिन सुबह एक चम्मच पाउडर, शाम को एक चम्मच, दोपहर को एक चम्मच। लेकिन वो जो था वो एक तो उल्टी आ जाती थी, तो लोग वो कंफर्टेबल था नहीं रखना उसको लेना। तो जो स्टैटिन है जो आजकल हम ले रहे हैं, वो आप ले रहे हैं उसको, 1976 में उसका इन्वेंशन किया इंडो ने, इंडो नाम का साइंटिस्ट। 1977 में ही पार्टनर्ड विथ टू साइंटिस्ट, गोल्डस्टीन एंड ब्राउन, कि इसको डेवलप किया जाए। लेकिन वो पार्टनरशिप टूट गई, और पार्टनरशिप टूटने के बाद 1980 में ब्राउन एंड गोल्डस्टीन ने पेपर लिखा, उसमें ये लिखा कि स्टैटिन अगर आप लेंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो पेपर की कॉपी मेरे पास है, दिस इज द कॉपी ऑफ द पेपर, कोलेस्ट्रॉल, दिस इज द कॉपी ऑफ द पेपर, कि अगर कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे, स्टैटिन लेंगे, तो इट विल बिकम ए कैंसर। और जैसे ही ये आया तो 1980 के बाद पूरे दुनिया में कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी के ऊपर एक चुप्पी, एक शांति छा गई, इट इज़ नो मोर ए इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन उसी दौरान बाईपास सर्जरी की एंट्री भी थी, बाईपास सर्जरी उसी दौरान एक फैशनेबल चीज़ बन गई। किसी भी इंसान का बाईपास सर्जरी होता तो उसको बड़ा गर्व से, मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है तो ये बड़ा आदमी होगा, राइट? उस वक्त बाईपास सर्जरी, याद कीजिए, इट इज़ बिग थिंग, लोग देखने आते थे, जैसे आप ताजमहल देखने जाते थे ना वैसे ही। अच्छा, बाईपास सर्जरी हमारे कॉलोनी में है, तो अपॉइंटमेंट लेके पीपल यूज टू गो कि वो कैसा दिखता है बाईपास सर्जरी वाला इंसान। सो ऑलरेडी हॉस्पिटल के पास, डॉक्टरों के पास एक नई चीज़ आ गई, एक नया मुद्दा आ गया, एक नया मनी स्पिनर आ गया, उनका ध्यान कोलेस्ट्रॉल से हट गया।
ऐसा कुछ साल चला, 3 साल 4 साल 5 साल, 1985 में एक नई चीज हुई, अनाउंसमेंट हुआ ब्राउन एंड गोल्डस्टोन को स्टेटिन उसी ड्रग के प्रोडक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिला। और वो नोबेल प्राइज वाला लेक्चर की पूरी कॉपी मेरे पास है, उस लेक्चर में कहीं भी जिक्र नहीं है कि उन्होंने इनसे कैंसर होता है। अब वो गायब हो गया जिक्र, ये आप बाद में देख सकते हैं डिटेल्ड पूरा लेक्चर। अब उन्होंने ये बात गायब कर दी कि कैंसर हो सकता है। और उसके अगले 2 साल बाद 1987 में वो बन गए मर्क, जो पहली कंपनी में देखे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उनके कंसल्टेंट, और उन्होंने अप्रूव करा दी FDA में, और वही वाली दवा है जो हम आप ले रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2004 में जो इन्वेंटर था इंडो, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा आया, तो उनको बोला कि आप क्या करेंगे, तो कहा मैं स्टैटिन नहीं लूंगा, मुझे जरूरत नहीं, बढ़े रहने दो। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2006 में पब्लिश हुआ था। सवाल ये है कि इन्वेंटर भी अगर ये दवा नहीं ले रहा है तो आप क्यों लेना चाहते हैं, राइट? सोचिए जरा। और वो रिटर्न स्टेटमेंट है, वो मेडिकल जर्नल में है, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल 2006 में है। सो इन्वेंटर हिमसेल्फ इज नॉट टेकिंग द मेडिकेशन, राइट? तो व्हाई वी आर टेकिंग इट? तो पहले तो ये काम कीजिए कि उसको उठा के फेंकिए, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको, किसी को जरूरत नहीं दुनिया में, इट इज नॉट नीडेड एट ऑल। स्पेशली अगर आपको ये पता चल जाए ये स्टैटिन ये बना कैसे, आया कहाँ से। हमें ये लगता होगा ना कि ये इसके पीछे कोई बहुत सारे हजारों साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, और फिर जाके एक दवा आई लैब में, न जाने क्या टेक्नोलॉजी लगा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो चाइना में, नॉर्थ चाइना में एक जगह है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ धूप नहीं निकलती, वहाँ पे एक तो पौधे उगते नहीं हैं, और उगते हैं तो वहाँ पे जो जानवर होते हैं या कीड़े मकोड़े पौधों को खा जाते हैं। तो भगवान ने कुछ पौधों को एक ताकत दी है कि जब भी कोई मच्छर या कोई कीड़े मकोड़े खाने आएंगे तो उस पर पॉइजन स्प्रे करने की एबिलिटी, रेड राइस प्लांट जिसे कहते हैं, छोटा सा पौधा, कि जब भी कोई उसको खाने आएगा तो वो पॉइजन स्प्रेड करेगा। तो US की आर्मी ने वो पॉइजन ले लिया, वो प्लांट ले लिया, उसका पॉइजन ले लिया, अमेरिका ले आए कि देखें ये हमारा किसी काम का तो नहीं। सो आपको याद होगा या कुछ लोगों को पता होगा, हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में पढ़ा होगा आपने। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इट इज़ कॉल्ड मस्टर्ड गैस छोड़ देते थे ताकि लोगों की इम्यूनिटी, वहाँ के प्रिजनर की इम्यूनिटी जीरो हो जाए, ना तो वो जिए ना ही वो मरे, मतलब उनकी सोचने की शक्ति ना रहे, वो जिंदा लाश की तरह रहे। बाद में ये मस्टर्ड गैस का जो टेक्नोलॉजी है उसको कन्वर्ट कर दिया, इट बिकेम कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है, वो हिटलर है। ये मेडिकल जर्नल की बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी इमेजिनेशन नहीं है। तो हमेशा अलग अलग देशों की आर्मी ये देखती है कि कौन सा पॉइजन से हम प्रिजनर्स को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं कि जैसा हम चाहें वो हमारे गुलाम बन के रहें। इस इच्छा से वो जो रेड राइस प्लांट है उसका पॉइजन ले आए, उस प्लांट के पॉइजन का नाम है स्टैटिन, जो दवा है। तो ये देखा गया कि अगर इसका बहुत डोज कम कर दिया जाए फिर इंसान को दिया जाए तो वो बहुत धीरे धीरे मरेगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ज़्यादा डोज में जल्दी जल्दी हो जाएगा। सो दैट इज़ वॉट इज़ द स्टैटिन विच यू आर टेकिंग इट, राइट? सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस नहीं है, मेडिकल कल्चर है, और कल्चर कई बार बनता है कुछ लोगों के प्रॉफिट के लिए, जैसे सुपरस्टिशन जिसे कहते हैं, राइट? कोई एक सुपरस्टिशन समाज में बनता है, हर समाज का एक सुपरस्टिशन होता है। सो व्हाट इज सुपरस्टिशन, किस तरह समाज को खाता है, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ 1 मिनट का, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से हमसे जुड़ा हुआ है, स्पेशली तब जब आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। घर चले, अब यही तुम्हारा घर है, चल आ। पापा पापा हमको छोड़ो, हम नहीं रहेंगे पापा, हम नहीं रहेंगे। ब्राह्मण जिसके साथ चाहे सो सकते हैं, क्योंकि उसमें फायदा उस औरत का ही है। आपको पता है राम ने भरत को क्या कहा था कि उन ब्राह्मणों का कभी आदर मत करना जो वेदों का अपने फायदे के लिए गलत मतलब निकालते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। कुछ नियम बनाए जाते हैं और वो नियम इसलिए बनाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उससे कुछ लोगों का फ़ायदा हो,
लेकिन वो नियम को कहीं ना कहीं ऐसे जोड़ देते हैं लॉजिक से, इलॉजिक से, कि लोगों को जो विक्टिम्स होते हैं उनको भी उस नियम में कुछ ना कुछ ठीक ही लगता है, तो सब के सब चुप रहते हैं। जैसे आजकल नियम है, आजकल नियम है कि किसी ने अगर बोल दिया कि डायबिटीज ठीक हो सकता है तो नियम है इंडिया में कि उसको जेल हो सकती है। किसी ने बोला कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं, जेल हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। तीन चार बार तो मैं ही जेल जाने से बचा हूँ, और हमारे कुछ एजुकेटर ऑलरेडी जेल के दर्शन करके आए हैं ऑलरेडी, राइट। सो यहाँ जो आप देख रहे हैं, अगर आपने ज़ोर से बोला कि भाई कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं है, डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है बिना दवा के, तो दैट इज़ अ क्राइम इन इंडिया। वो क्राइम है, वो लॉ है कि वो क्राइम है। मेरे पास नोटिस आए हुए हैं कि अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ बोला तो तैयार रहिए 6 महीने की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो जैसे उस समाज में एक लॉ था, एक कानून था जिसका कोई लॉजिक नहीं था, जो सिर्फ किसी इंसान के लिए, कुछ लोगों के प्रॉफिट के लिए था या किसी न किसी रूप से फायदे के लिए था। लेकिन इस तरह के जो कानून होते हैं हमेशा रहते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं आपके हमारी तरह जो समझते हैं इसको और समझ के कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए इतने सारे बारिश के बावजूद भी आप सब यहाँ पे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। जब भी कभी लोग पास देखते हैं मेरा, और स्पेशली अगर डॉक्टर देखते हैं, तो पहले ही खारिज कर देते, हो ही नहीं सकता, राइट। तो हमारे दुनिया में कुछ कस्टम बन जाते हैं, बिकॉज वी आर एन इमोशनल बीइंग, वी आर नॉट एन इंटेलिजेंट बीइंग। हम अपने कस्टम से अपने आप को जोड़ के देखते हैं, फिर वो कस्टम कितना भी गलत क्यों ना हो। तो अभी भी एक कस्टम चल रहा है कि हमें दवा खानी है, ये कस्टम का पार्ट है, ये रिलीजन का पार्ट है। इस रिलीजन का नाम है मेडिकल रिलीजन, लेकिन ये आपके फायदे का पार्ट नहीं है, ये तो पक्का है। और आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता इससे आज़ादी पाने का, इसलिए इसको 14 अगस्त में रखा है, ताकि कल ना केवल खुद के लिए आज़ाद हो जाएं, राइट, इस दवा से मुक्ति मिल जाए, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी इससे आज़ाद कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझना होगा आपको, ताकि करना क्या है वो एग्जैक्टली आप ठीक से बता पाएं। सो दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज दिस प्रोग्राम, दैट इज द क्योर। क्योर सारा जो खेल है वो इसलिए है कि हार्ट की बीमारी ना हो। इफ दैट इज सो, तो हार्ट की बीमारी कैसे ना हो, अगर किसी को हो भी गई तो क्या करें कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वही अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन नेक्स्ट 15 मिनट और 20 मिनट्स। और उसके बाद इस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और आएंगे भी। वाई? बिकॉज जो भी मैं बोल रहा हूँ, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ वॉट यू हैड बीन टॉट और यू हैड बीन थिंकिंग और यू हैड बीन टोल्ड अबाउट, राइट, और यू माइट हैव रेड। इसीलिए आपके दिमाग में बहुत सवाल आएंगे, तो जो भी सवाल आए वो आप लिखते रहिए। इस मेरे लेक्चर के बाद विल हैव ए क्वेश्चन आंसर राउंड, उसमें भरपूर क्वेश्चन पूछिए, जितना हो सके क्वेश्चन पूछिए। इसलिए मत मान जाइए बिकॉज आई एम सेइंग, बट यू हैव टू गिव योर आर्गूमेंट्स, राइट। और जब सारे आर्गूमेंट डिस्कशन हो जाए, ओनली देन यू बिलीव, एक्सेप्ट एंड देन प्रोपगेट। तो अब आता है क्योर का पार्ट। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं वुमेन्स एंड मेन। वुमेन्स के लिए क्या करना है, मेन्स के लिए क्या करना है, शुरू करता हूँ वुमेन्स से। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, दुनिया का सबसे नंबर वन जर्नल, मोस्ट ऑथेंटिक जर्नल, इस जर्नल का कहना है कि 19 बड़े स्टडीज हुए दुनिया में वुमेन्स के ऊपर, उनके कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का कनेक्शन, और सारे स्टडीज से एक कंक्लूजन निकलता है, इन केस ऑफ वुमेन्स देर इज नो कनेक्शन बिटवीन हार्ट डिजीज एंड कोलेस्ट्रॉल, इज वेरी क्लियर। 2007 में सारे जितने सारे स्टडीज हुए, मेजर स्टडीज, उन सबका कॉमन कंक्लूजन, इट केम इन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2007, दैट देर इज नो कनेक्शन बिटवीन कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की चिंता करने की जरूरत नहीं, ना उसको मेजर करने की जरूरत है। जिस तरह से आपके जूते का साइज का कोई कनेक्शन हार्ट डिजीज से नहीं है ना, राइट, या है? एक थ्योरी निकल जाए जिसके जूते का साइज कम है वो ठीक है, जिसके ज्यादा है वो ठीक नहीं है, फिर और फिर ऐसा जूता बनाए जिससे जबरदस्ती साइज कम किया जाए, राइट। तो जिस तरह से आपके जूते का साइज कुछ भी हो सकता है, उससे हार्ट डिजीज का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक उसी तरह से देर इज नो कनेक्शन बिटवीन हैविंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड द हार्ट डिजीज। और ये सिर्फ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल नहीं कह रही है, नेशनल हार्ट लंग्स एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, नेशनल हार्ट लंग्स एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस का अपना इंस्टीट्यूट है और उनका अपना वेबसाइट है, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें ही लिखा है स्टडी ऑन 80,000 वुमेन फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड द रिजल्ट इज नो इम्पैक्ट ऑन वुमेन, राइट। इफ यू आर अ वुमेन नीड नॉट टू वरी अबाउट कोलेस्ट्रॉल, इवन नीड नॉट टू टेस्ट इट, ये तो बिल्कुल क्लियर है, और वो मेडिकल साइंस के थ्रू ही क्लियर है। सो 50% तो जो पेशेंट थे वो नॉन पेशेंट तो अभी बन जाते हैं बाय सीइंग दीज टू स्लाइड्स, राइट। सो अब अगर मेन्स हैं तो क्या करें, अगर मेन हैं
तो उस इसी तरह के और फाइंडिंग्स कहती हैं, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, 50 ईयर से ज़्यादा है, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने या घटने का कोई कनेक्शन ही नहीं है आपके हार्ट डिजीज के होने या ना होने से। और अगर 50 साल से कम है, राइट, और कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी बहुत कनेक्शन दिखती है, देर इज स्लाइट कनेक्शन कि कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा होता है उनके चांसेस हार्ट डिजीज के ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेके उसको घटाएंगे तो वो कुछ ऐसा ही होगा जैसे बाल सफ़ेद हैं तो हम काले बाल कर करके समझ लेंगे कि हमारी बॉडी भी ठीक हो रही है। तो ये ज़रूर है अभी तक की फाइंडिंग में कि 50 साल से नीचे के लोग वालों का अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा होगा तो देर इज अ स्लाइट चांस दैट इट मे इंडिकेट लिटिल बिट ऑफ हार्ट डिजीज, बट दैट डू नॉट मीन कि आप उसको ज़बरदस्ती घटाना शुरू कर दें बाई टेकिंग मेडिकेशन। क्योंकि जितने सारे ट्रायल हुए मेडिसिन के ऊपर, चाहे हम पहला ट्रायल ले लें 1998 का या आखिरी ट्रायल ले लें जो अभी रिलीज हुई है April 3rd, 2016, पहला ट्रायल की रिपोर्ट मेरे यहाँ पे है इसी वक्त, और आखिरी ट्रायल जो अभी रिलीज हुई है उसकी भी पूरी रिपोर्ट यहीं पे है इसी वक्त, राइट। और बीच वाले ट्रायल के बारे में मैंने बताया, या वो सारी रिपोर्ट भी मेरे पास हैं। ट्रायल ये कहती है कि दवा से कोलेस्ट्रॉल घटाएंगे तो नंबर घट जाएगा, रिस्क फैक्टर नहीं घटेगा, राइट। नंबर घटना और रिस्क फैक्टर घटना दो डिफरेंट बातें हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसको समझाने के लिए। आपका हैप्पीनेस टेस्टिंग किया गया था जब आप आ रहे थे? नंबर हैप्पीनेस, कितने आप में से पार्टिसिपेंट जिनके रीडिंग 20 से कम है, हाथ रेस करें। 20 से कम, 20 या 20 से कम, ओके। अच्छा, जिनके 20 और 40 के बीच में है वो हाथ रेस करें, ओके, काफ़ी। जिनका 40 और 60 के बीच में है, और जिनका 60 और 100 के बीच में वो है, ठीक है, राइट। अब ये टेस्टिंग क्यों कराया है, इसका मकसद क्या था, इसका मतलब क्या है? ये एक मशीन है जो कुछ साल पहले हमने अपने दोस्तों से मिलके इसको इन्वेंट किया, फिर IIT दिल्ली के रिसर्च सेंटर से अप्रूव किया। और इसमें क्या होता है, बायो फीडबैक कहते हैं, बायो फीडबैक। आप जैसा सोचते हैं वो सोच एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह पूरे बॉडी में बहती है, और उस सोच को उस मशीन के थ्रू उसकी रीडिंग हम पता कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बायो फीडबैक कहते हैं। और इसका ये मतलब है जिनकी रीडिंग 1 से 20 के बीच में है, 20 से नीचे नीचे है या 20 तक है, दे आर द हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ माइंड, सबसे ज़्यादा खुश। थैंक यू। मुझे पता आप उल्टा ही सोच रहे होंगे, राइट। जिनका 20 और 40 के बीच में है, दे आर इन ए स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, हाँ सब ठीक है, राइट, इवन ओके, राइट। जिनका 40 और 60 के बीच में है, दे आर इन एंजाइटी, राइट, एंजाइटी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है। और जिनका उससे ऊपर है, दे आर इन ए डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो खैर वो लोग अभी तक खुश हो रहे थे तो बराबर हो गया, राइट। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं और आप मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस में एक छोटा सा सोल्यूशन निकालते हैं, एक केमिकल बनाते हैं, एक ट्यूब, एक क्रीम। वो दोनों क्रीम, वो क्रीम क्या करेंगे, हम फिंगर में लगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ठीक से पास नहीं होगा उससे नंबर कम आएगी। और मैं ये बोलूं कि मैंने एक ऐसी क्रीम बनाई उससे आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, यानी कि नंबर कम हो जाता है, और पहले नंबर करके देख लीजिए, अब आप ये क्रीम रोज लगाइए दिन में 2 बार, और हमारे लैब में आके नंबर दोबारा देख लीजिए, और जैसे नंबर देखेंगे तो कम है, यानी कि आपकी हैप्पीनेस ज़्यादा है ना फिर, राइट। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। तो ये बात ठीक है कि जिनका नंबर कम है वो ज़्यादा हैप्पी होंगे उस वक्त, अभी हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, राइट। और जिनके नंबर ज्यादा हैं तो वो थोड़ा एंजाइटी में या सीरियस माइंड में होंगे, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। ये यहाँ तक थ्योरी ठीक है, लेकिन अगर क्रीम बना के यहाँ पे मैं जबरदस्ती शो करूँ नंबर कम हो गया, तो उससे रीडिंग के कम होने से आपका स्टेट ऑफ माइंड कम हो गया, ये चेंज हो गया, दैट इज समथिंग, राइट, जो कि यहाँ पे लॉजिक नहीं है। यहाँ पे दिस बिजनेस, इसे कहते हैं डिजीज मॉन्जरिंग, इसे कहते हैं डिजीज मॉन्जरिंग, मतलब भय का व्यापार, जहाँ एक बीमारी को इन्वेंट कर लिया और उसको बीमारी का नाम दे दिया, वो बीमारी था नहीं, लेकिन ऐसे कुछ बना दिया जिससे लोगों को भय लगे और उस भय से वो बिजनेस हो। इसकी शुरुआत हुई थी 1895 में एक सर्जन थे, डॉक्टर लिस्टर, जोसेफ लिस्टर,
वो सर्जन भी थे और उनकी एक फैक्ट्री चलती थी, सीमेंट की फैक्ट्री चलती थी राइट, और फ्लोर क्लीनर की फैक्ट्री चलती थी। कुछ फैक्ट्रीज जो चल नहीं रही थी, उनका पेशा भी ठीक से चल नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उनमें से कुछ फैक्ट्री बंद कर दी, लेकिन जो फ्लोर क्लीनिंग की जो फैक्ट्री थी उनका जो सोल्यूशन था उनको छोटे छोटे बॉटल में डाल दिया और बोला कि इससे अगर आप माउथ क्लीन करेंगे तो बड़ा अच्छा साफ होगा। उसको फ्लोर क्लीनर को माउथ क्लीनर बना दिया और ऐसा उन्होंने मार्केट किया 1895 में। कुछ बिका नहीं, लोगों को जचा नहीं। फिर 5 साल बाद जब वो फेल हो गए, उन्हें आइडिया आया, मुंह के बदबू का एक नाम रखा उन्होंने राइट, एंड देन ही स्टार्टेड सेलिंग कि ये तो एक डिजीज है राइट, इट इज़ अ डिजीज हेलिटोसिस, कि मुंह के बदबू को बोलते हैं हेलिटोसिस। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या हो गया, डॉक्टर ने बोला आपको तो हेलिटोसिस की बीमारी है। अरे बाप रे, हेलिटोसिस है मुझे, तो क्या करना होगा, आपको ये लेना होगा। आप में से कुछ लोग लेते होंगे डॉक्टर लिस्टर की, वो प्रोडक्ट अभी तक सुपर हिट है, उसका नाम है लिस्ट्रीन। कितने लोग लेते हैं राइट, सो लिस्ट्रीन वो 1895 में वो पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो डिजीज मॉन्जरिंग भी बेस्ड था, कि किसी भी एक सिचुएशन को एक डिजीज़ का नाम दे दिया, उससे भय पैदा हो गया और उससे आप वो खरीदना शुरू कर दिया लिस्ट्रीन। सो कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो अ डिजीज मॉन्जरिंग केस। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों में 50 साल से नीचे वाले जो मेल्स हैं, हायर कोलेस्ट्रॉल में बी लिटिल बिट ऑफ रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, बट इट सर्टनली डू नॉट मीन कि आप अगर स्टैटिन से उसको कम करेंगे तो रिस्क भी कम होगा। दैट इज समथिंग जो कि गड़बड़ है राइट, वहाँ की नॉलेज गड़बड़ है। लेकिन ये कि जब तक आप दवा लेंगे नहीं तब तक वो बिजनेस होगा नहीं। खैर, अभी आज घर जाके क्या करेंगे, अभी यहाँ से घर जाएंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, तीन स्टेप आपको बताने वाला हूँ। वो तीन स्टेप आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी इतना ज़्यादा कि आपकी मजबूरी हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर आपको अपना ब्लड प्रेशर की गोली, ब्लड शुगर की गोली, ब्लड थिनर्स यू हैव टू थ्रो इट आउट, क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और दवा लेंगे तो सब नॉर्मल, बिलो नॉर्मल आ जाएगा। ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा और दवा लेंगे तो और नीचे चला जाएगा, विच इज़ टू डेंजरस। स्टेप वन, आज घर जाके क्या करना है, स्टेप वन, थ्रो द स्टैटिन, उठा के देखिए नियरेस्ट डस्टबिन क्या है, वहाँ फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली, थैंक यू फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल वाली। कोलेस्ट्रॉल की दवा कौन सी है, कोई भी दवा में लास्ट में स्टैटिन लिखा होगा, तो दैट इज़ अ मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल राइट, स्टैटिन। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ये क्या करती है और आपको क्या करना है सेकेंड एंड थर्ड स्टेप के लिए। आप सांसें ले रहे हैं, यू टेक ऑक्सीजन इन, देन अब इज द कार्बन डाइऑक्साइड आउट। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, यहाँ से शुरू होती है कोलेस्ट्रॉल की कहानी। कैसे, समझिए इसको, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, वो प्लांट के अंदर गया, प्लांट टेक इट, और वो वाटर H2O के साथ मिला के सनलाइट के प्रेजेंस में उसको बना देता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि फूड, यानी कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, वो खाना हम खाते हैं और खाते ही एक केमिकल बॉडी बनाता है एसिटाइल COA, एसिटाइल कोएंजाइम, और वो वाला केमिकल एक और केमिकल बनाता है, इसे कहते हैं HMG कोएंजाइम, और वो केमिकल फिर एक इंपॉर्टेंट केमिकल मेवलोनिक एसिड बनाता है या मेवलोनेट पाथवेज बनाता है राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अभी आसान हो जाएगा, और इससे कई सारे केमिकल्स बनते हैं, इनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल राइट, इनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की पैदाइश होती है। अब इनमें से जो ये केमिकल है, इनका कुछ काम है, इसका कुछ काम है, इसका कुछ काम है, इसका कुछ काम है, तभी बॉडी बना रही है। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। जब आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं तो वो दवा कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करता है, वो दवा यहाँ पे काम करता है, इसको ब्लॉक कर देता है यहाँ पे। तो यहाँ ब्लॉक हुआ तो क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया, लेकिन साथ में क्या हुआ, और बाकी सब भी बंद हो गए। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिस कोक्यूटेन। कोक्यूटेन को आप क्या बोल सकते हैं, कोक्यूटेन ये केमिकल क्या करता है, इट इज वेरी सिंपल। स्पार्क प्लग आपने देखा, उस स्पार्क प्लग में नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ये जो स्पार्क होता है राइट, दिस इज अ स्टोन, और जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। कोक्यूटेन इज अ स्पार्क प्लग ऑफ द बॉडी, स्पार्क प्लग फॉर द हार्ट। और जब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जो छोटा सा कार्बन वाला पार्ट है वो जैसे जैसे कम होता है, हाँ, आपको इसके डिस्टेंस को कभी कभी स्कूटर से निकाल के रीएडजस्ट करना पड़ता है, क्या है नहीं? तो ये जो है दैट इज कोक्यूटेन। जब वो कम होगा तो आपको डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर बोलेगा चलो मैं आपको कोक्यूटेन की गोली भी लिख देता हूँ, तो यानी कि वो रीएडजस्ट कर रहा है। एक तो एक तरफ कम कर दिया, फिर दूसरी तरफ डॉक्टर ने उसको
पूरा कर दिया, राइट, मतलब यहाँ से निकालो वहाँ पे डाल दो, तो दैट इज द कोक्यूटेन। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे उनका हार्ट वीक होगा, क्योंकि हार्ट को जो स्ट्रेंथ देता है हार्ट का स्पार्क प्लग, दैट इज कोक्यूटेन। सिमिलरली टी आर एन ए, ये जिनका कम होगा उनको फिर कैंसर की दिक्कत आएगी, कैंसर। सिमिलरली बाकी जो केमिकल आप देख रहे हैं इनमें सिग्नलिंग प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल जब आप खाना खाते हैं अपने खाने के बारे में सोचते हैं, पहले यू थिंक ऑफ द फूड, मैं खाना खाऊंगा। द मोमेंट यू थिंक कि मैं खाना खाऊंगा, दिस थॉट से हमारे बॉडी में पहला सिग्नल जाता है, फिर जब उसको देखते हैं तो दूसरा सिग्नल, फिर जब उसको टेस्ट करते हैं थर्ड सिग्नल जाता है। वो जब सिग्नल जाता है बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड सिग्नलिंग प्रोटीन का सिस्टम। और अगर वो सिस्टम काम नहीं करेगा तो क्या होगा, कौन सी वाली बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो स्टैटिन से डायबिटीज क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, नाउ यू गेट ए क्लू कि वो कोलेस्ट्रॉल घटा नहीं रहा है, वो बाकी चीज़ें भी घटा रहा है। वो कैसे, मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूँ हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल आपके यादगार के लिए मान लीजिए डाल है मेरे पास, इसमें फूल हैं, पत्ते हैं, कांटे भी हैं, राइट, कांटे ठीक नहीं है, मान लीजिए कांटे इज कोलेस्ट्रॉल, लेकिन बाकी जो फूल पत्ते हैं दोज आर कोक्यूटेन और बाकी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। और मैं आपको औजार देता हूँ, ये कैंची, ऐसा करना इस कांटों को ना काट देना, कांटे ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो क्या आप क्या करेंगे, कांटे काटने जाएंगे तो क्या कट जाएगा, पूरी डाल ही कट जाएगी, उसमें फूल भी था, उसमें पत्ते भी थे, उसमें फल भी था, सारी डाल कट गई और वो अपने कांटे भी चले गए। सो दिस इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग स्टैटिन, राइट, और ये पूरा पाथ है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और जब वो दवा ले रहे हैं तो काट यहाँ रहे हैं, जड़ को काट रहे हैं, और ये हमने किसी ने बताया नहीं कि भाई ये यहाँ से कट रहा है, ना कि कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ को काट रहे हैं, ना कि वो कांटे, अगर वो कांटे हैं तो पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट इक्वल टू कांटे, वो कांटे हैं ही नहीं, अगर वो हैं भी, राइट, तो वो कांटे को थोड़ा ना काट रहे हैं, वो तो सबको काट रहे हैं, तो इक्वली कांटे भी कट जा रहे हैं। तो अच्छा इसका प्रूफ क्या है, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, स्टैटिन तो हो गया नॉर्मल नेम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर स्टैटिन, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, HMG COA इनहिबिटर, मतलब HMG एंजाइम को वहीं पे ब्लॉक करता है, यही इसका नाम है। तो नाम से इसकी पहचान है, इसका नाम कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग नहीं है, इसका नाम कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर नहीं है, इसका नाम HMG को एंजाइम इनहिबिटर है। तो HMG को एंजाइम इनहिबिटर क्यों है, क्योंकि वहां पे काटता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल को यहां पे रोकता है, राइट। अच्छा ये जो पूरा ब्रांच है, कुछ रेयर केस में बच्चों में जो बच्चे पैदा होते हैं, राइट, उनमें ये उसमें ये ताकत नहीं होती ये पूरा ब्रांच बनाने की, तो उन बच्चों में एक बीमारी होती है, वो बीमारी आपने देखी मूवी पा, जो 2 साल की उम्र में 50 साल 60 साल के लगने लगते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये केमिकल का ये पूरा ब्रांच ना हो किसी बच्चे में पैदा होते ही, तो विद इन 2 ईयर्स ऐसा दिखेगा कि वो एक 60 साल का 80 साल का आदमी है। और अगर हमारे जीते जी अगर वो ब्रांच कट गया या कम हो गया, तो हमारा बुढ़ापे की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी धीरे धीरे, राइट। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड एंड लिंक कि यू आर नॉट रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ, यू आर रिड्यूसिंग द कंप्लीट ब्रांच ऑफ इट, राइट, जो कि कितना ज़्यादा लीथल है, कितना ज़्यादा डेंजरस है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैंसर से लेकर डायबिटीज तक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, हार्ट की डिजीज़ होती क्यों है फिर, कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हार्ट की डिजीज़ क्यों होती है, वो सिंपल है कि हार्ट के आर्टरीज में देर आर सम ब्लॉकेजेस, सिंपल, हार्ट की आर्टरीज में देर आर सम ब्लॉकेजेस, वो ब्लॉकेजेस होते हैं तो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, हार्ट को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, एंड हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा, एक दिन होगा ब्लॉकेज 100% हो जाएगा, एंड दैट मे बी द हार्ट अटैक, राइट, उन सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिलेगी। अब ये जो ब्लॉकेज है इसको अगर आप निकालेंगे, निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे कि ये ब्लॉकेज बना किस चीज़ का है, तो आप पाएंगे कि उसमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इसका मतलब ये हो कोलेस्ट्रॉल कारण हुआ ना, कोई डॉक्टर बोलेगा उसको देखो वो तो कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल कारण हुआ। अच्छा एक काम करेंगे, मान लीजिए कहीं देखते कि पूरी बिल्डिंग गिर गई, जाके देखो बिल्डिंग में क्या गिरा, देखा बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई है, अच्छा ईंटें कारण है, आगे से ना जब बिल्डिंग बने ईंटें कम कर दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, राइट। हाँ जब बिल्डिंग गिरेगी तो ईंटें ही दिखेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिल्डिंग ईंटों का बना होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का ही वो आर्टरीज बने हैं तो कोलेस्ट्रॉल दिखेंगे, लेकिन वो कारण नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली इट इज ट्रू दैट द ब्लॉकेजेस आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बट कोलेस्ट्रॉल मे नॉट बी द रीजन,
राइट। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों के हाई कोलेस्ट्रॉल है उन्हीं में हार्ट डिजीज होता, लो कोलेस्ट्रॉल में हार्ट डिजीज नहीं होता, जबकि इसका उल्टा ही देखा गया है। अब पहला, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होता है तो कभी भी ब्लॉकेज वेन्स में क्यों नहीं होता। देखिए दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं, एक तो वो ब्लड है जो साफ ब्लड यानी कि हार्ट से खून को बॉडी में सर्कुलेट करता है, और दूसरा वो ब्लड वेसल है जो बाकी ऑर्गन से खून को वापस हार्ट में ले जाता है यानी गंदा खून को ले जाता है। सो नीले कलर का है वेन्स, लाल कलर का है आर्टरीज। अगर और कोलेस्ट्रॉल सब में एक जैसा ही सर्कुलेट करता है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉकेज का तो वेन्स में भी तो ब्लॉकेज होने चाहिए ना, वहाँ तो नहीं पाए जाते। सो कोलेस्ट्रॉल के नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, हैड इट बीन सो द ब्लॉकेज वुड हैड बीन इवन इन द वेन्स, क्योंकि वेन्स में भी उतना ही कोलेस्ट्रॉल फ्लो करता है जितना कि आर्टरीज में करता है। सो ये एक आर्गुमेंट है। अब इससे एक सवाल आता है, फिर क्या कैसे या क्या कारण से हार्ट डिजीज होता है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। अगर कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, उस ब्लॉकेज में भी कोलेस्ट्रॉल है तब भी उससे नहीं होता, तो एक्चुअल कारण क्या है। इसके लिए मैं तीन क्लू दूंगा आपको, उस तीन क्लू के अंदर आप ढूंढेंगे आंसर क्या है। थ्री वेरी इंटरेस्टिंग क्लू। पहला क्लू, सर्कुलेशन 2006, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा गया कि ब्लॉकेज जहां भी है वहां पे 50 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। हमेशा जब भी कहीं ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज के आसपास 50 डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड, दैट इज क्लू वन। क्लू टू, जहां पे ब्लॉकेज है वहां की टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द आर्टरीज। क्लू नंबर टू, जिस तरह से जब भी इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो जाती, वो क्यों होती है, ताकि टेम्परेचर इज ए टूल, टेम्परेचर की मदद से बॉडी उस वायरस को किल करता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होना कोई बीमारी नहीं है, इट इज ए मैथड बाई विच द बॉडी इज ट्राइंग टू काउंटर द जर्म्स। सिमिलरली, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। सिमिलरली क्लू थ्री, ये देखा गया कि एक तिहाई हार्ट अटैक के पेशेंट्स का रिकॉर्ड देखा गया कि उनके हार्ट अटैक आने से जस्ट पहले उनको कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुआ था, उसके बाद ही उनका हार्ट अटैक आया है। तो ये क्लू नंबर थ्री। अब इन तीनों क्लू के अंदर ही आपका जवाब है। ये सारी चीज़ें 2000 के बाद ही, 2000 के बाद ही सारी चीज़ें मेडिकल साइंस को थोड़ी बहुत पता चली है, उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं पता थी। इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन तीनों क्लू को जोड़ते हैं टू गेट द आंसर कि क्या कैसे हार्ट डिजीज होता है और कैसे उसको रोका जाए। अटैक बाय जर्म्स ऑन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंक्लूजन इज, जहां पे भी हार्ट डिजीज जो भी आर्टरीज हैं वहां पे पाया गया कि जर्म्स अटैक करती हैं। हमारे पूरे ब्लड में जर्म सर्कुलेट होती हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल, लेकिन हम में से कुछ लोगों के, कुछ पेशेंट के केस में कहीं कहीं वो जर्म्स अटैक करती हैं। लेकिन जर्म्स कहीं कहीं अटैक करती हर जगह क्यों नहीं करती है, वहीं वहीं अटैक करेगी जहां पे इंडोथेलियम डिसफंक्शन होगा। इंडोथेलियम वेरी सिंपल, ब्लड वेसल का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है जिसको ब्लड टच करते हुए जाता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल टच करते हुए जाता है, उसे कहते हैं इंडोथेलियम लेयर। लेकिन हम में से कुछ लोगों के केस में वो इंडोथेलियम लेयर कमजोर होता है, राइट, और उसमें जर्म्स अटैक आसानी से कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो वेन्स के एंडोथेलियम लेयर में क्यों नहीं जर्म्स अटैक करती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जवाब देने के लिए आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। मान लीजिए ये बलून है, इसके अंदर एयर का प्रेशर है, अगर एयर बढ़ा दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना इसका। अगर इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका जो आउटर लेयर है या इनर लेयर है उसका डैमेज के चांसेस ज़्यादा हैं, या प्रेशर कम रहेगा तो चांसेस ज़्यादा हैं, पहला या दूसरा? प्रेशर ज़्यादा होगा तो डैमेज होना आसान है, ये तो क्लियर है हमें। अब देखिए ह्यूमन बॉडी में हमेशा क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम से कम 100 गुना ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स। आर्टरीज के वॉल्स में जो प्रेशर होता है वो 100 टाइम ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पे डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पे जर्म्स अटैक आसानी से कर सकते हैं, राइट। लेकिन एंडोथेलियम लेयर, पहला तो एंडोथेलियम लेयर कमज़ोर हो, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है, दोनों मिला के जर्म्स के लिए आसान हो जाता है वहाँ अटैक करना। अब क्वेश्चन ये है कि अंदर का एंडोथेलियम लेयर यानी कि इनर लेयर कमज़ोर क्यों होता है, उसका कारण है लो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। जब भी आपका बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम होगा तब एंडोथेलियम लेयर डैमेज होगा, जब भी वो डैमेज होगा
जहाँ जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वो तो आर्टरीज में होती है, जर्म्स बॉडी में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो सब में होता है, वो जर्म्स वहाँ अटैक करेंगे। जब वो अटैक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे घाव हो जाएगा। घाव को भरने के लिए कोलेस्ट्रॉल आएगा बचाने के लिए, और वो भरने की कोशिश करेगा। अगर घाव जल्दी भर गया तो ब्लॉकेज नहीं होगा, लेकिन अटैक जारी रहा, नाइट्रोक्सिल प्रोडक्शन ऑलरेडी कम रहा और ये लंबे समय तक रहा, देन इट बिकम्स ब्लॉकेज, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल का रोल है हार्ट को बचाने के लिए, ना कि उसका रोल है कि वही हार्ट के ब्लॉकेज करने के लिए, बट उस प्रोसेस के थ्रू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बट उस प्रोसेस के थ्रू जब वो प्रोसेस चल रहा है, तब अगर एंडोथेलियल लेयर कमजोर ही रहता रहे और जर्म्स ज्यादा हो बॉडी में, इन्फेक्शन पहले से ही हो, कोई वायरल फीवर ऑलरेडी चल रहा हो, दैट इज द टाइम जब वो इन्फेक्शन जीत सकता है, राइट, इन कंपैरिजन टू कोलेस्ट्रॉल, उस लड़ाई में दैट विल फॉर्म द ब्लॉकेज, राइट। सो यहां पे इंपॉर्टेंट है, अटैक बाय जर्म्स ऑन वीक आर्टरीज ऑन द इनर वॉल, जिससे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन को हिंदी में बोलेंगे सूजन, सूज जाता है ना बाहर, जो बाहर कभी सूज जाता है, कभी किसी के पाँव में मोच आ गए तो सूज जाता है, सूजना कोई बीमारी नहीं है, सूजना एक प्रोटेक्शन है, रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी का। सिमिलरली अंदर भी सूज जाता है, लेकिन अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम रहती रहे, इन्फेक्शन लगातार अटैक करते रहे, तो उसको मैनेज करने के कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमता रहे, समटाइम वो ब्लॉकेज ज़्यादा हो गया, फ्लो ब्लॉक हो गया, दैट इज कॉल्ड हार्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, राइट। सो यहाँ पे कुल मिला के कुछ ऐसा आता है, इन्फ्लेमेशन, उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राई टू कवर इट अप एंड दैट लीड्स टू ब्लॉकेजेस। तो अब सोल्यूशन क्या है, वॉट इज द सोल्यूशन, क्या करना होगा सिंपली, अच्छा बताइए क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या हो जाए तो ये सारा प्रोसेस बीच में रुक सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सिंपल सोल्यूशन, कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारी बॉडी की नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को दोबारा से बढ़ा दें, जैसे ही वो बढ़ाएंगे तो सारा चीज़ बैलेंस में आ जाएगा। कितनी देर में, कुछ दिनों में बैलेंस में आ जाएगा, विद इन फ्यू डेज, राइट। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला क्या है जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दिस मीन्स कि अब जो आने वाला है ये आपके पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी को आपको कल से या आज से फॉलो करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मूला टू क्योर हार्ट डिजीज, दैट यू नो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें विल बी टेकन केयर ऑफ। अब सवाल यह था कि वॉट आई शुड डू राइट नाउ सो दैट माई बॉडी प्रोड्यूस एनफ नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। ये आपका सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब ये है, स्टेप वन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। स्टेप वन क्या था, बताया था मैंने, थ्रो द स्टैटिन। वाई, बिकॉज स्टैटिन क्या करता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में बीच में आता है, राइट, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहले तो वो सारी चीज उठा के फेंको जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के बीच में बाधा डालती हो, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे कुछ लोग हम मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं वो दवा भी लेता रहूँ और आप जो बता रहे हैं खाने पीने का वो भी चलता रहेगा। मैं बोलता हूँ वो तो कुछ ऐसा हुआ ना कि आप कीचड़ लगी हुई, आप नहा भी रहे हो, कोई कीचड़ मार भी रहा है आप पे, तो कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब आप पूरी तरह से क्लीन हो जाओगे। पहले वो कीचड़ को रोको, अब आप नहाओ, तभी तो क्लीन होंगे ना, राइट। सो इन द सेम वे, पहले वो तो थ्रो करना पड़ेगा, तभी जाके ये इफेक्ट काम आएगा, बिकॉज उसकी वजह से तो ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ स्टेप टू, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए स्टेप टू, ब्रेकफास्ट। ये बड़ा ही सिंपल है, 12 बजे तक आप एक ब्रेकफास्ट का नियम लगा दीजिए, जो हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। जैसे आपका, मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो मेरे बॉडी का वेट है 70 kg, जितना आपका बॉडी का वेट है इनटू 10, यानी कि कितना हो गया मेरा 700। अब उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 700 ग्राम, उतना फल। मान लो किसी का वेट है बॉडी का 100 kg, इनटू 10 कितना हो गया 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो, राइट। और उतना फल, कौन से वाले फल, जो आपका मन करे, सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट कौन से होते हैं, जो सस्ता मिलता है वो सीजनल फ्रूट्स, राइट। तो जो सस्ता नहीं मिले वो सीजन का नहीं है, तो और अच्छा, पैसे भी कम खर्च होंगे। कौन से वाले फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, कौन से वाले सीजनल फ्रूट्स जो आपका मन करे वो वाले। अरे मैं तो डायबिटिक हूँ, तो फिर तो आपको आम ज़्यादा खाने चाहिए, कम से कम 2 किलो, राइट। तो और गन्ने का जूस, वो 2 ग्लास 3 ग्लास चल जाएगा कम से कम। तो हमारा जो डायबिटीज़ कैंप होता है, जिसके बारे में विजय जी ने आपको बताया, 3 दिन का होता है कभी कभी,
उसमें जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो पहला नियम ये होता है कि वो दवा बाहर फेंके, और दूसरा नियम कि वो तैयार हो इस चीज़ के लिए कि दिन में 2 किलो आम खाएंगे और गन्ने का जूस देंगे तो पहले दिन ही पियेंगे। और अगर ऐसा वो करते हैं तो वो खुद ही सरप्राइज रहते हैं, विद इन फर्स्ट 3 डेज दे आर क्योर ऑफ डायबिटीज़, पूरी तरह ठीक हो गए। राइट, थैंक यू। यहाँ भी आप में से बहुत सारे डायबिटिक एजुकेटर ऑलरेडी हैं जो पहले कभी पेशेंट थे, एंड नाउ यू आर एंजॉइंग मैंगोज जो आपने इतने सालों में नहीं खाया और वो सारा आप खा रहे हैं और शुगर लेवल मेंटेन है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 12 बजे तक आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपके पेट में जाए इट शुड बी फ्रूट्स। राइट, कौन सा फ्रूट, सीजनल फ्रूट, कितने वाले फ्रूट, कैसे वाले, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो जब 700 ग्राम में मेजर करूंगा, दैट इज छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद इफेक्टिव वेट। छिलका गुठली थोड़ा खा रहे हैं हम, तो उसका वेट क्यों काउंट करना। राइट, और एक बार में नहीं खाया जाए तो इंस्टॉलमेंट में, 7 बजे आपने 200 ग्राम खाया पेट भर गया थोड़ा, फिर 8 बजे आपने 300 ग्राम खाया फिर पेट भर गया, 12 बजे तक यही खाना है कितना मर्जी। कई लोग बोलते हैं कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, यहाँ जाना, मुझे भी बाहर जाना पड़ता है महीने में 20 दिन। तो मैं अपने एक बैग है मेरा, उसमें मैं 1 दर्जन केले रखता हूँ, अभी भी है इधर। राइट, और वो क्योंकि उसमें धोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, काटना भी नहीं है, सीधा खा जाना है, तो ये अच्छा है और सस्ता भी आता है, कहीं मिल जाता है। राइट, और कोई सामने हो तो उसको भी एक केला दे दिया, वो भी खुश हो गया। सो इस तरह से आपको नियम थोड़े, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू इस तरह से आपको नियम चेंज करना है कि 12 बजे तक वॉट एवर यू टेक इट शुड बी ओनली फ्रूट्स। खाने से पहले क्या है, फल है क्या, रोटी नहीं, दही नहीं, चपाती नहीं, ब्रेड नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फल। स्टेप टू का दूसरा पार्ट है लंच एंड डिनर। लंच एंड डिनर जब भी आप करेंगे यू ऑलवेज हैव टू डू इट इन 2 प्लेट्स। 2 प्लेट सामने रखिए लंच एंड डिनर में, अभी तो 1 प्लेट में खाते हैं। प्लेट 2 उसमें आप अपने जो अच्छा लगता है फेवरेट सारी फूड रखिए, राजमा है, छोले है, चावल है, छोले भटूरे हैं या गोलगप्पे हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं, जो भी डोसा है, इडली है, प्लेट 2 भरपेट पूरा भर के रखिए। और प्लेट 1 में आपका वेट जितना है, जैसे मेरा वेट है 70 kg, तो 700 ग्राम इस वक्त वो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल, कौन से, जैसे टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, ककड़ी है, या कुछ ऐसे पत्ते जो आप कच्चा खा सकें, सलाद पत्ता है, गोभी का पत्ता, कुछ लोग कच्चा खा लेते हैं। तो रॉ वेजिटेबल विच यू कैन ईट इन रॉ विदाउट कुकिंग, 700 ग्राम्स पहले मैं खा लूँगा अच्छी तरह से, उसके बाद कहाँ है प्लेट 2। आप सोच रहे होंगे जब इतना खा लूँगा प्लेट 2 की जगह ही कहाँ रह जाएगी, यही तो मैं चाहता हूँ, प्लेट 2 आप ना ही खाएं तो अच्छा है। राइट, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन दूसरे दिन थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद आपको वो कम लगेगा क्योंकि उसमें पानी है। जितना भी आप खाएंगे आधे घंटे 1 घंटे में बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी भूख बढ़ेगी, और आप हैरान होंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जो लोग मोटे हैं उनका वेट बिल्कुल ड्रास्टिकली घटेगा, स्पेशली स्टमक से, जहाँ ज़्यादा वेट है, जहाँ ज़्यादा फैट है, जहाँ ज़्यादा ज़िद्दी फैट है, वो जल्दी घटेगा। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए। तो लंच और डिनर से पहले ये रूल रख सकते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, थोड़ी बहुत दवा चल रही डायबिटीज़ की, थोड़ी बहुत हाइपरटेंशन की, थोड़ी बहुत कोलेस्ट्रॉल भी ले रहे थे और थोड़ी बहुत ऐसा या थोड़ा बहुत वैसा, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये मिल सकता है कि वो, जैसे मेरा 70 है तो 700 ग्राम की जगह मैं 500 ग्राम कर देता हूँ, थोड़ी बहुत चीटिंग कि इसको थोड़ा घटा दिया, उसको थोड़ा घटा दिया। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कर लूँ डॉक्टर साहब, पहले प्लेट 2 खा लेता हूँ फिर प्लेट 1 खा लूँगा, लेकिन उससे रिजल्ट भी उल्टा आएगा। वो उसका एक खास साइंस है जो कभी और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्लेट 1 को पहले खाना है फिर प्लेट 2 को खाना है। सो दिस इज द स्टेप 2। स्टेप 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, स्टॉप कंज्यूमिंग फूड विद कोलेस्ट्रॉल। ऐसा खाना ना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। कैसे पता चलेगा कौन सा खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं है? अक्सर पैकेट में लिखा देखा जीरो कोलेस्ट्रॉल। सिंपल रूल है, भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत सिर्फ जानवरों को दी है। राइट, प्लांट को यह ताकत नहीं दी है। तो पौधों में या पौधों से जुड़ी हुई फूड में कोलेस्ट्रॉल 0 है। काजू में कोलेस्ट्रॉल 0, बादाम में कोलेस्ट्रॉल 0, वेजिटेबल में कोलेस्ट्रॉल 0, फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल 0, ग्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल 0। राइट, तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो कुछ पूछना तो लिख लीजिए, इन द क्वेश्चन आंसर वी कैन डिस्कस। तो कैसे पता चले कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? तो अगर वो फूड एनिमल ओरिजिन है, इट इज़ हैविंग कोलेस्ट्रॉल, जैसे दूध है, वो पौधे से नहीं आया ना, गाय से आया ना, तो उसमें भरपूर कोलेस्ट्रॉल है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है दूध का, वो आपके लिए नहीं है, हो सकता है उस गाय के लिए हो, उसके गाय के बछड़े के लिए, वो आपके लिए नहीं है।
कई बार लोग बोलते हैं गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन वो गाय के बच्चे के लिए होता है न्यूट्रिशियस, आपके लिए थोड़ा ना होता है। वो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही ऐसे का जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, तो वो दूध उसके ही पीने दीजिए। आपको दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ना कभी थी, सिवाय पहले कुछ महीनों के जब आपको अपना अपने माँ का दूध पीना है, दैट्स ऑल। राइट, कुदरत ने दूध को बनाया फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द बेबी फ्रॉम द ओन स्पीसीज, दैट्स ऑल। जिंदगी भर पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज द फूड एंड द एनिमल फूड विच यू हैव टू इग्नोर, ऐसा आपको करना है स्टेप थ्री। एंड ऐसा जब आप करेंगे, एक कमाल हुआ कि कोलेस्ट्रॉल की अगर रीडिंग लेंगे, हालांकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया, वो भी कम दिखेगी। उससे क्या होगा, कम से कम घर वाले सेटिस्फाइड हो जाएंगे, राइट, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवा आज क्यों नहीं ली, राइट, आपके पीछे बढ़ जाएंगे। तो आप बोलेंगे चेक कर लो मेरा ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल तो ठीक ही आ रहा है, तो एटलीस्ट वो बोलेंगे चलो जो भी है ठीक है। आपका डॉक्टर बोलेगा आप कोलेस्ट्रॉल दवा क्यों बंद कर दी, तो आप बोले चेक कर लो कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक ही आ रहा है, तो इस तर्क में वो चुप बैठ जाएंगे। उनको चुप कराने के लिए आपको टेस्ट करना है, ना कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए टेस्ट करना है, राइट। वैसे तो आपके हेल्थ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ आप ही के हाथ में है। कई बार लोग पूछते हैं डॉक्टर, आप डॉक्टर साहब आपके कहने पे हमने कोलेस्ट्रॉल दवा छोड़ दी जो मैं 15 साल से ले रहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, फिर कौन जिम्मेदार होगा, आप होंगे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे आप ही की है, आपकी हेल्थ की, राइट। सो किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपकी हेल्थ है। अगर आप छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे, बोथ द केसेस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ। आप डॉक्टर से पूछिए जाके कि कोलेस्ट्रॉल की दवा मैं छोड़ रहा हूँ, डॉक्टर बोलेगा अगर छोड़ रहे हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ आपकी हेल्थ का, फिर कुछ भी हो सकता है, देख लो। तो उनसे ये पूछिए, अच्छा मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, अब कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार हैं? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बल्कि वो क्या करते हैं, जब भी कोई सर्जरी होता है, कोई डायग्नोस्टिक होता है, एंजियोग्राफी होता है, वो तो लिखवा लेते हैं कि एंजियोग्राफी हो रही है, अगर इस दौरान आपकी मौत हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है, साइन कर दो भाई, और तब लाश कहाँ पे भेजें और पैसा कहाँ से लें ये भी लिख दो भाई। होता है कि नहीं होता है? तो डॉक्टर्स आर नेवर रिस्पॉन्सिबल। तो आपको ये लगता है कि ये दवा खाने से एटलीस्ट देर इज सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन कैसा प्रोटेक्शन? जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं उनकी हार्ट अटैक होती है तो कोई प्रोटेक्शन है उनको? क्या कोई जवाबदेही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ, राइट। तो अगर आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस होल थिंग। उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आपको उसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वेन यू डू दिस आपका कोलेस्ट्रॉल नेचुरली लो हो जाएगा। हालांकि लो करने की कोशिश के लिए नहीं कर रहे हैं हम, बट नेचुरली लो हो जाएगा, वो 200 से नीचे चले जाएगा टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो अब ये जो मैंने बताया, ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है कि मैंने ऐसा देखा, ये पहले से ही साइंटिफिकली प्रूवन है मेडिकल साइंस में, जर्नल्स में। उसके लिए मैं आपको एक ट्रायल बताता हूँ, ओस्लो स्टडी 1975 में हुआ था, कई साल तक चला था। इसमें सारे लोगों का एनिमल कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया, मतलब एनिमल फूड जीरो कर दिया, दूध जीरो कर दिया, तो क्या हुआ, सारे पॉपुलेशन का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ गया, नीचे आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली हार्ट डिजीज का डेथ रेट नीचे नहीं आया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोलेस्ट्रॉल कम हो गया लेकिन डेथ रेट कम नहीं हुआ, हार्ट डिजीज कम नहीं हुई। फिर क्या हुआ, 2006 में ओस्लो 2 एक और स्टडी हुआ, इसमें एनिमल फूड कम कर दिया, दूध कम कर दिया, साथ में ऑयल कम कर दिया, जीरो ऑयल। इस बार कोलेस्ट्रॉल नीचे आ गया, डेथ रेट भी नीचे आ गया। यानी कि एक चीज़ और जोड़ लीजिए, आपके हार्ट का प्रोटेक्शन के लिए ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल इन द फूड, राइट। लो ऑयल लो हार्ट डिजीज, राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्यों, ऑयल क्या करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आप एनिमल से, एनिमल फूड से, दूध से या चिकन अंडे से आप फैट निकालिए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, उसके अंदर जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइक दिस। अब कोई भी प्लांट ले लीजिए, पौधा ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए, उसके अंदर से आप फैट निकालिए और माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, वो फैट कैसा दिखेगा, दैट फैट विल लुक लाइक दिस, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा, राइट। ये है एनिमल फैट, ये है प्लांट फैट, राइट। अब आप बताइए, मैं दोनों आपको दे दूं, दोनों को, इन दोनों में को आपको ठीक से
कलेक्ट करके रखना है, कौन सा कलेक्ट करना करके रखना है के ऊपर एक आसान होगा, एनिमल फैट या प्लांट फैट? एनिमल फैट। तो जब फैट फ्लो करता है ब्लड स्ट्रीम में तो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है एनिमल फैट वहाँ पे सेटल हो जाता है, जमता रहता है, उससे क्या होगा, व्हाट विल बिकम, दैट इज द ब्लॉकेज। बट द प्लांट फैट वो जम नहीं सकता बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट। अब जो ऑयल है, ऑयल वो एनिमल से आया कि प्लांट से आया? मोस्टली प्लांट से आया। तो उसका जो फैट है लाइक दिस, लेकिन उसको जब आप हीट करेंगे, आप तो ऑयल ऐसे नहीं पीते ना, यू हीट इट, द मोमेंट यू हीट इट द बिहेवियर ऑफ द प्लांट ऑयल इट चेंजेस टू एनिमल फैट, दैट बिहेवियर इट बिहेव्स लाइक एनिमल फैट, ऑल्दो इट इज नॉट हैविंग एनी कोलेस्ट्रॉल इनसाइड। तो कोलेस्ट्रॉल तो नीचे आ गया क्योंकि एनिमल फूड को जीरो कर दिया था, लेकिन जो हार्ट डिजीज का डेथ रेट नीचे नहीं आया। सो हियर कम्स द कंक्लूजन कि आपको साथ में ऑयल को भी मिनिमाइज करना है एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके आपसे। वो ऑलरेडी मिनिमाइज हो गया क्योंकि 12 बजे तक तो फ्रूट डाइट पे है ऑलरेडी, तो कोई ऑयल का सवाल नहीं है। और लंच एंड डिनर में प्लेट वन आपने इतना खा लिया कि प्लेट टू की जगह थोड़ी थोड़ी कम रही, तो एज इट इज योर इनटेक ऑफ ऑयल इज लेस। और ये चीज कई सारे पब्लिकेशन में आया, एक जो एक लेटेस्ट आया 2005 में 10 साल की स्टडी, लायन डार्ट डाइट हार्ट स्टडी, ये बहुत ही फेमस स्टडी है। इस स्टडी में भी जो मैंने अभी थ्योरी बताई, ये सारा कुछ इसी में, इसमें भी दिया गया कि भाई अगर कोई इंसान ऐसा करेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, देन व्हाट विल हैपन, 23% रिडक्शन इन डेथ, 21% रिडक्शन इन कैंसर एंड 24% रिडक्शन इन हार्ट डिजीज। दीज आर थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट, राइट। ये सिंपल फॉर्मूला है, इससे क्या क्या इम्पैक्ट और भी आएगा, व्हाट आर द इम्पैक्ट। जैसे ही आप ये शुरू करेंगे, यहाँ एक वार्निंग है, वार्निंग, जैसे ही आप शुरू करेंगे पहले 3 दिन के अंदर ही यू विल बी फोर्स्ड टू स्टॉप योर ब्लड शुगर मेडिसिन एंड रिड्यूस योर इंसुलिन इनटेक। जो लोग इंसुलिन पे हैं, पहले 3 दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, पहले 7 दिन में कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाएगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर की दवा छोड़नी पड़ेगी नहीं तो वो लो ब्लड प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा, थायराइड की दवा छोड़नी पड़ेगी नहीं तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में एक हफ्ते के अंदर ही वो चेंजेस दिखेंगे कि यू विल बी फोर्स टू स्टॉप द मेडिकेशन, इफ यू डोंट डू इट इट विल बिकम डेंजरस, लो ब्लड शुगर हो जाएगा, हाइपरथायराइड हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उल्टा होने लगेगा। एक महीना अगर करेंगे तो हार्ट की बीमारी, राइट, जो हार्ट के डिस्कम्फर्ट्स हैं दैट विल बी वैनिश्ड, राइट। सिमिलरली 6 महीना करेंगे तो अस्थमा, 9 महीना करेंगे तो इट विल अफेक्ट इन कैंसर। और ये सारी चीज़ें कोई इमेजिनरी या कोई सिर्फ स्टडी को देख के थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बातों का प्रैक्टिकल ऑलरेडी हमारे एजुकेटर्स, अभी आपने देखा स्टेज पे जो 50 एजुकेटर्स थे, उन्होंने अपने अपने पेशेंट्स के साथ ऑलरेडी करके देख लिया, और उनके जो स्टोरीज की कलेक्शन है, दैट कलेक्शन इज द बुक विच वी लॉन्च टुडे, राइट। तो इस बुक में आपको अलग अलग तरह के पेशेंट्स की हिस्ट्री, उनका अभी प्रेजेंट, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनकी सारी चीज़ें मिलेंगी, ताकि उससे एनकरेजमेंट लेके, हिम्मत लेके यू स्टार्ट फॉलोइंग इट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो ये कोई मेरी लिखी हुई किताब नहीं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रियल स्टोरी ऑफ दोज पीपल हु आर फॉलोइंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। उनमें से कोई कैंसर पेशेंट भी है, कोई हार्ट पेशेंट भी है, कोई थायराइड का भी है, कोई डायबिटीज़ का भी है, ज़्यादातर डायबिटीज़ के हैं बिकॉज ये डायबिटीज़ के एजुकेटर्स हैं। बट किसी को अकेला डायबिटीज़ नहीं होता, डायबिटीज़ वाला बोलता है बीपी की भी गोली चल रही, कोलेस्ट्रॉल की भी चल रही, थायराइड की भी चलनी है, मोटा भी है वो, राइट। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। सो नाउ यहाँ तक तो ये आया कि आपको क्या करना है, अब एक खास होता ना बोनस पार्ट, इट इज़ अ बोनस पार्ट, क्या नहीं करना है, कहाँ पे आपको अलर्ट रहना है आज के बाद, खास तौर पे कल से 15 अगस्त से, इट शुड बी अ न्यू बिगनिंग, इट शुड बी अ न्यू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ हेल्थ। सो दिस इज गोइंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मैं आपके सामने 4 महत्वपूर्ण ट्रायल रख रहा हूँ। ये ट्रायल रखने का एक खास कारण है, वो ये कि दवा, मान लो किसी का ब्लड शुगर ज़्यादा है, हाई है, तो ब्लड शुगर ज़्यादा होने से मान लो 300 से ऊपर होगा तो कभी कभी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर दवा लेकर उसको कम कर देंगे तो तकलीफ अपनी जगह पे ही है, जो जो उसके डैमेज हैं वो अपनी जगह पे हैं, सिर्फ रीडिंग कम दिख रही है, राइट। ये प्रूव किया गया है एकॉर्ड ट्रायल में। एकॉर्ड ट्रायल जो आप देख रहे हैं 2008 में रिलीज हुआ था, जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स थे, जो US, कनाडा एंड UK 3 गवर्नमेंट ने मिलकर किया था। रिजल्ट ये आया कि हाई शुगर इज़ बैड, नो डाउट अबाउट इट,
बट लोअरिंग इट विद द मेडिकेशन इज स्टिल द सेम, सिर्फ नंबर का रीडिंग का फर्क है, राइट। सिमिलरली आइडल ट्रायल ये किडनी पे हुआ था, अक्सर ये देखा किडनी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया या जीएफआर लेवल कम हो गया, इस केस में वो डायलिसिस के लिए बोलते हैं। तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायलिसिस कराना है कि नहीं कराना है, हाइपरटेंशन की दवा लेनी है कि नहीं लेनी है, ब्लड प्रेशर की शुगर की दवा लेनी है कि नहीं देनी है, वो रीडिंग पे अकेले निर्भर नहीं करना है अकॉर्डिंग टू ऑल दिस ट्रायल। रीडिंग के अलावा सिम्टम है क्या, डिस्कम्फर्ट है क्या, राइट। सो दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई किडनी का पेशेंट है, क्रिएटिनिन लेवल 5 पे आ गया और जीएफआर लेवल लेस देन 15 आ गया, लेकिन सिम्टम नहीं है कुछ, ही इज फीलिंग फाइन, ही इज नॉट द पेशेंट ऑफ डायलिसिस अकॉर्डिंग टू आइडल ट्रायल जो 2010 में रिलीज हुई है। ये ट्रायल इकलौता ट्रायल है जो इस तरह का ट्रायल है जो ये देखता है कि डायलिसिस करने की आवश्यकता एक्चुअली कब है। तो वो रीडिंग पे निर्भर नहीं करना है कि रीडिंग 15 से कम आ गया, क्रिएटिनिन 5 से ऊपर चला गया, चलो आप डायलिसिस कराओ। नो, आर यू हैविंग एनी डिस्कम्फर्ट, कोई टायर्डनेस है, कोई पेन है, कोई दिक्कत है? इफ येस देन मे बी इमरजेंसी केस में डायलिसिस इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली फॉर ब्लड प्रेशर, किसी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 160/100 भी हो सकता है, बट ही इज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, सो ही नीड नॉट टू टेक ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। सिमिलरली हमारे यहाँ पे एस के गुप्ता जी हैं, यहाँ पे अभी तो थे, आप बैठे हैं, यस सर। तो आपकी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, आपका ब्लड शुगर लेवल 300/350, राइट, 400, जो कि एक नॉर्मल से देखा जाए तो इट इज़ वेरी हाई, बट फीलिंग फिट, उतनी एनर्जेटिक जितने एनर्जेटिक मैं या कोई और फील करता है पूरे दिन भर में, यस। जब आए थे आप, है ना, हाँ 586 था, 586, जिसमें कोई और इंसान हो तो उसमें बहुत सारे सिम्टम दिखे बट नो सिम्टम, हमारे ऑफिस में थे, खुद आए ड्राइव करके, खुद ड्राइव कर गए और दैट वाज नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं बोल रहा 586 अपने आप में नॉर्मल है, 586 ज़्यादा ही है, लेकिन 586 आने के बाद या 300 से ऊपर आने के बाद क्या मुझे सिम्टम है क्या? अगर सिम्टम भी है तो ज़रूर दवा लेना चाहिए, और सिम्टम नहीं है और दवा ले रहे हैं तो उसे नुकसान होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायल, राइट। अकॉर्ड ट्रायल ऑल हेड ट्रायल है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रायल था, यूएस गवर्नमेंट, सबसे बड़ा ट्रायल है ब्लड प्रेशर का। आइडल ट्रायल ये इकलौता ट्रायल है किडनी का, और कोई ट्रायल ही नहीं किया इस तरह का, राइट। सिमिलरली डीपीपी डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा ट्रायल है, ये सारे ट्रायल की डिटेल्स मैं आपको कार्ड में एक दूंगा अभी, आप घर जाके सर्च कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड नहीं होना, डायग्नोसिस प्लस सिम्टम लीड्स टू मेडिकेशन, जस्ट डायग्नोसिस कैनॉट लीड टू मेडिकेशन, डायग्नोसिस एंड सिम्टम देन मेडिकेशन, फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर ब्लड शुगर, फॉर इवन डायलिसिस, एनी काइंड ऑफ एलिमेंट, इवन फॉर कैंसर, राइट। कई बार आपका ब्लड टेस्ट कुछ भी बताता हो, राइट, इट मे बी इन द कैटेगरी ऑफ कैंसर, बट डू आई हैव एनी सिम्टम, इफ नॉट नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल आपके समझने के लिए, आजकल गूगल मैप आ गए मोबाइल में, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप ताजमहल देखना जाना चाहते हैं, आपने ताजमहल आगरा कर दिया तो गूगल मैप में आ जाएगा ना, तो आपको सिर्फ ड्राइवर ड्राइव करेंगे और गूगल मैप बोलेंगे सीधा चले जाओ 1 किलोमीटर, आप राइट ले लो, आप लेफ्ट ले लो, आप चलते रहेंगे मैप को देख के, मैप पे भरोसा करके। करते 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 इमेजिन कीजिए आप ताजमहल के सामने आ गए, ताजमहल ये रहा और गूगल मैप बता रहा है 2.5 किलोमीटर बाद ताजमहल आएगा, आप छू के देख रहे हैं ताजमहल है, आँखों से देख रहे हैं ताजमहल, भाई साहब ताजमहल कहाँ है भाई, ये तो रहा, महसूस कर रहे हैं ताजमहल है। तो आप अपनी आंखों को, अपने सेंसेस को मानेंगे या गूगल मैप में जो रीडिंग उसको मानेंगे? गूगल मैप बता रहा है अभी 2.5 किलोमीटर और है, कोई बोलेगा मैं तो इसी को मानूंगा और 2.5 किलोमीटर आगे जाएगा, वहां वो ताजमहल ढूंढेगा और किसी भी चीज़ को सोचेगा शायद यही ताजमहल हो। हमारी मेडिकल इंडस्ट्री ऐसी है, कई सारे पेशेंट होते हैं जो पेशेंट ही नहीं है, सिर्फ रीडिंग बढ़ा हुआ होता है, अब उसमें वो बीमारी ढूंढते हैं, राइट। और अगर बीमारी ढूंढने पे आ जाए, आजकल का मेडिकल साइंस की तरक्की इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई हेल्दी इंसान मिलेगा नहीं उनको, फिर जो भी गया अपने डायग्नोसिस हेल्थ चेकअप के लिए वो पेशेंट बन के वापस आता है, हेल्दी वो है जो कभी गया ही नहीं हॉस्पिटल। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी इमरजेंसी में दवा काम करती है, लेकिन इमरजेंसी का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि जो आंकड़े हैं वो गड़बड़ बता रहे हैं, प्लस सिम्टम भी ऐसा लग रहा है, अगर ये दोनों चीज़ एक साथ हो रहे हैं देन वो मेडिसिन का हकदार है फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, थोड़े बहुत दिन के लिए, और तब तक उसको क्या करना है, तब तक द काइंड ऑफ थिंग विच आई टोल्ड वो आपको करना है, राइट। सो हेयर वी कम्स टूवर्ड द एंड ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ
20 साल पहले जब मुझे पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ तब मैं बहुत रोई थी। मेरी उम्र 59 है। मैं 20 साल से डायबिटिक हूँ। मैं मीट मछली खाए बिना नहीं रह सकती हूँ। जब मैंने पहले दिन ये खाना खाया तो मैं रो पड़ी। मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। जिंदगी के बाग दौड़ में हम अपना ख्याल रखना तो भूल ही जाते हैं। खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है, यह हमें याद ही नहीं रहता। अपने लिए तो हम कभी जीते ही नहीं, बस अपनी आँखों पर इग्नोरेंस की पट्टी बांध कर चलते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम इस वर्कशॉप जर्नी टू रिकवर द बॉडी में इंस्ट्रक्टर की कमांड पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गिरते पड़ते चल रहे हैं। इसी तरह जिंदगी में भी हम बार बार ऐसे ही गिरते रहते हैं और एक समय पर अपने ऊपर से विश्वास खो बैठते हैं। विश्वास यानी कॉन्फिडेंस, खुद पर, जो अच्छी जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी है, उसे ही खो बैठते हैं। उस विश्वास को दोबारा पाने के लिए हमें एक लीडर की जरूरत होती है और वो लीडर हमें डॉक्टर विश्वरूप के रूप में मिला। एक ऐसा लीडर जो आपको सिर्फ आपकी काबिलियत के बारे में बताए और आप में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में बताएं। हम सभी की बॉडी खुद को हील करना जानती है, बस जरूरत है माइंड को एजुकेट करने की और उसे यह बताने की कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। हमारे बीच डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एक ऐसे ही लीडर की तरह आए। Giống như một cái thông điệp là thầy Bi mang đến cho chúng ta một cái người dẫn đường, hướng dẫn một cái người dẫn đường đã thấy một kết quả. पर तीसरे दिन रिजल्ट देखकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स टू डॉक्टर विश्वरूप रॉय। मैं 41 साल का हूँ। मुझे 5 साल से डायबिटीज है और अब 3 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 2 साल से डायबिटीज है। मैं अब किसी दवाई और डॉक्टर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरी डायबिटीज अब बिल्कुल ठीक हो गई है। यस।
मेरा नाम हुमान खाना है और मैं 44 साल का हूँ। मुझे यहाँ समय का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे लगता है मैंने 44 सालों में पहली बार कोई अच्छी बात सीखी है। मुझे लगता है यहाँ बैठे लोगों की बंद किस्मत खुल गई है। डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी हमारे लिए एक नई रोशनी बनकर आए हैं। मुझे 18 ईयर से डायबिटीज थी। अब मुझे केवल यही रूल्स फॉलो करने हैं। हार्टीनेस, हैप्पीनेस एंड फ्रेशनेस। वर्कशॉप के पहले दिन मेरा फास्टिंग शुगर लेवल 254 था, सेकंड डे ये 175 और तीसरे दिन कमाल हो गया 126। मैं 44 इयर्स की हूँ, मुझे अब कोई बीमारी नहीं है। मैंने अपना हॉस्पिटल में चेकअप कराया है। इस डाइट प्लान और लाइफस्टाइल के साथ मैं एक बहुत बेहतर और खुशहाल जिंदगी जी सकती हूँ। 67 साल का हूँ, मुझे पिछले 17 साल से डायबिटीज थी। आई बिलीव अपने आप को हेल्दी रखने का डॉक्टर रॉय चौधरी का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।